नाइन और 18 और 48, ये अच्छे क्वेश्चन है, करेक्शन थोड़े से है ये 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, एक मिनट, 7 7 में एक छोटा सा करेक्शन, यहाँ पे अब ब्लैक बॉडी है, ब्लॉक नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट लाइन अब ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद फिर 12 में छोटा सा कुछ करेक्शन है, माइनर करेक्शन, 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में ये सेकंड ऑप्शन में आर पावर माइनस वन आएगा, 12 का सेकंड ऑप्शन आर पावर माइनस वन, आर पावर माइनस वन, ओके ये 12, तो 7 हो गया, 12 हो गया, फिर 20 और 26, क्वेश्चन नंबर 20, 20 में हाँ ये सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं आ रहा है, इसमें 100 मिली एम्पियर आ रहा होगा, आपने सॉल्व किया होगा तो 100 मिली एम्पियर आता है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन को चेंज करो, 100 मिली एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड ऑप्शन 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, क्वेश्चन 20, ओके, और लास्ट एक छोटा सा करेक्शन है, कौन सा अपना, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ 26 में थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पे सी नहीं है, साथ में सी को भी डाल दो वहां पे, रूट गैमा बाई 3 साथ में सी, सी जिसको उन्होंने वहां पे बोला है आरएमएस वेलोसिटी, ओके तो ये करेक्शन है, और एज सच मुझे कीज में कोई करेक्शन मिला नहीं है, कीज में नहीं है कुछ करेक्शन, आपने भी सॉल्व किया होगा, कुछ करेक्शन नहीं है, तो अपन चलो वन बाय वन, और रिलेटिवली इसके पहले जो पेपर जो सॉल्व किए ना उससे ये थोड़े ईजी है, दिस इज वॉट आई फील लाइक वाइल सॉल्विंग द पेपर, है ना कि ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 33 में भी एक बार देख लीजिए, 33 में कुछ करेक्शन है क्या, 33 इन केस हो सकता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, अच्छा हाँ देखो 33 में ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, मगर फिर भी आंसर आ जाता है, हाँ देखो एक मिनट यहाँ पे आप चाहिए ना, देखो 33 में सी एवरीवन, 33 में उन्होंने बोला नहीं प्राइमरी कॉइल हैज कितना टर्न्स, हो दिया नहीं, आपको चाहिए तो 100 ले लो, मगर नो मैटर आप कुछ भी नंबर ऑफ टर्न्स लोगे ना ये करंट मिल जाता है, ओके तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिया नहीं है बट फिर भी हमको करंट आ जाता है, क्लियर, और देखो अगर आप लोग एकदम सिंसियर रहोगे ना तो अपने पास ना 2021 का, ये वन का ही पेपर देख रहे ना, 2021 का 10 पेपर विद सोल्यूशन, पूरा पूरा पेपर जो 10 के 10 पेपर है ना, ओके ये जो मैंने आपको 3 पेपर दिए एकदम, मैं फ्रेंकली आपको बोलता हूँ पहले हमको 2021 के पेपर नहीं मिले थे, तो नहीं मिले ना इसमें से एक कोई तो एक पेपर बायो वाला भी है, वो तो उनका बायो का भी एग्जाम होता है ना, तो एक बायो का पेपर है इसमें और दो अपना सीईटी का, उसमें लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है अदरवाइज सेम ही रहता है, और जो एग्जैक्ट 2021 का और भी जो 8 पेपर्स है, क्योंकि इसमें दो ही है एक बायो का है ना, 2021 का इंडेक्स अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में 2021 के 3 पेपर है, 5, 6, 7 में एक कोई तो बायो वाला है, तो मीन्स अपने पीसीएम वाला 2 पेपर है, बट पेपर हुए कितने थे, 10 हुए थे, तो 10 में से और भी 8 पेपर अपने पास है विद सोल्यूशन, तो इफ यू वॉन्ट वो ऑलरेडी हमने पिछले बार ही टाइप करवाया था डीटीबी ऑपरेटर से, तो हमने सोचा कि बहुत ज्यादा पेपर नहीं देते हैं, 21 सेट देते हैं, इसके लिए आपको 21 पेपर्स दिए, ओके बट वो एक्स्ट्रा पेपर भी प्रीवियस ईयर का मतलब 2021 का है अपने पास, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो भी, मैं पहले थोड़ा सा अपन करते हैं कंटिन्यूटी में, थोड़े पेपर और हो जाते हैं तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, हाँ तो ये 33 में 100 कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कंसिडर करेंगे तो भी आंसर आ जाता है, चलो मूविंग टू 1 to 5, क्वेश्चन 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 to 5 देखो, ये हम लोग 26 का देख रहे हैं, 26 सितंबर 2021, ओके सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो क्वेश्चन 1 to 5, 1 वाला बहुत ही सिंपल है ना, 1 वाला आप देखोगे साइन थीटा इज क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली आ जाता है स्पीड इन रेरर मीडियम, फिर 2 वाला भी बहुत ही सिंपल है, वो एनर्जी गैप के बारे में बोला है कि इसमें ज्यादा होगा, ये हमको मालूम है कंडक्शन कंडक्टर में कम होगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा सेमी कंडक्टर इंसुलेटर, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन ये भी बहुत ही सिंपल है ना, कि उन्होंने बोला है क्या क्या थर्ड वाले में टी कॉस आने, टी कॉस नहीं आएगा ना, टी साइन थीटा आएगा ना यार, देख ना अभी ये देख डायग्राम सामने ही है, अगर ये टेंशन है उन्होंने थीटा क्या बोला है, थीटा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, तो सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स यही एंगल हो गया ना, है ना, सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स ऐसा हो गया,
तो अगर ये आपका ऐसा वर्टिकल एंगल है तो इसका हाफ, ये थीटा है, तो ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, थीटा थीटा मीन्स, हाँ, तो ये हमको कितना मिलेगा, दिस विल बी टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, टी साइन थीटा विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। उन्होंने वही सिंपली पूछा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा भाई, टी साइन थीटा, करेक्ट ना अंकित? हाँ हाँ सर, टी साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन फोर फाइव, फोर्थ वाला भी बहुत ही सिंपल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, वो हाइट पे बोला है कि कहाँ पे वेट वन कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स ग्रेविटी हो जाएगा, तो 1/9 है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, जी एच अपॉन जी इज आर अपॉन आर प्लस एस द होल स्क्वायर, बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाता है एच इज इक्वल टू टू आर, एच इज इक्वल टू टू आर, क्लियर एवरीवन? इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 5 वाला भी सिंपल है ना, एक सॉलिड स्फीयर दिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, सिलेंडर का मालूम है, एम आर स्क्वायर बाई टू अबाउट द गिवन एक्सिस, हाँ, फिर दोनों का रेशियो पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 5, 1 to 5 वेरी सिंपल। चलो फिर 6 to 10, 1 to 5 में डाउट नहीं है ना एवरीवन? 6 to 10 सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में उन्होंने क्या बोला है, वाटर राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट एच सो दैट द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द वाटर कॉलम। ओके, देखो अगर आपको मालूम होगा वो हाइट राइज ऑफ लिक्विड कॉलम जब हम फाइंड करते हैं तो हाइट फाइंड करने का दो मेथड होता है, एक वेट बैलेंसिंग मेथड और एक एक्सेस प्रेशर मेथड। तो वेट बैलेंसिंग मेथड के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि जो भी लिक्विड वो टेस्ट ट्यूब में या तो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाता है उसके वेट को बैलेंस कौन करता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। मालूम है ना भाई एवरीवन, कैपिलरी ट्यूब में जो भी वाटर ऊपर जाता है उसके वेट को बैलेंस कौन करेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सिंपली आपको लिखना है वेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, और उन्होंने क्या पूछा है अपने को, यहाँ पे बोला है इफ दिस फोर्स इज एफ एंड सरफेस टेंशन इज टी देन द मास ऑफ वाटर रेस्ट इनसाइड द कैपिलरी इज, मास हमको पूछा है, हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो एकदम बेसिक यहाँ का की यही है कि वेट को आपको किससे इक्वेट करना है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन से वेट को इक्वेट करना है। फिर आप लिख दो वेट को एम जी, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टी इंटू, वैसे डेरिवेशन सॉल्व करने के टाइम हम लोग टी को भी रिजोल्व करते हैं, टी के दो कंपोनेंट लेते हैं अगर थीटा के टर्म्स में लेंगे तो, कुछ याद है एवरीवन? अगर थीटा के टर्म्स में आप देखोगे, देखो ऐसा ट्यूब लेते हैं, ऐसा दो ट्यूब लिया, यहाँ पे ऐसे मिनिस्कस ड्रॉ करते हैं समथिंग लाइक दिस, फिर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, और ये अपना एंगल होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे भी आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, फिर इसको रिजोल्व करेंगे इंटू टू कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे एक यहाँ पे, और जैसा राइट साइड में होगा वैसे लेफ्ट साइड में भी होगा, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट मिलेंगे। ओके, सपोज अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये आपको मिलेगा टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाता है, तो बेसिकली वो टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही वाटर को ऊपर लेके जाता है, बट वो टी कॉस थीटा कहाँ पे एक्ट होगा, अलोंग द सर्कमफेरेंस, और कुछ नहीं बोला है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग जीरो ले सकते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो लेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। इसके लिए अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज टी, कौन सा पेपर था अपना, 22 का हो गया है, 22 ये भी नहीं, हम लोग अभी देख रहे हैं ये वाला, हाँ, तो देखो क्या कर दिया यहाँ पे, टी इंटू टू पाई आर है ना, टी इंटू टू पाई आर लिखना है, बट उनको डायमीटर के टर्म्स में चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, टू पाई आर को क्या लिख सकते हैं, डी बाई टी, डी बाई टू है ना, तो एम जी इज इक्वल टू टी इंटू टू पाई डी बाई टू, बस टू टू कट करो, आ गया यहाँ से एम मिल गया, क्लियर सो हम, समझा? ओके, हाँ, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलो फिर नेक्स्ट 7 वाला बहुत ही सिंपल, स्टीफेंस लॉ वाला है ना, टी पावर 4 है तो टेम्परेचर हाफ किया है तो 1/16 हो जाएगा। फिर 8, 9, 10 में डाउट है, वैसे 9th वाला एक डायरेक्ट रिजल्ट है, 9th वाला सॉल्व करने जाएंगे टाइम जाता है, मगर 9th वाला इसको मैंने स्टार भी मार्क कराया है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आपको चाहिए कैसे आता है तो मैंने यहाँ सॉल्व भी करके दिया है वैसे इसमें, ये पहले तुम्हें 8 आ गया, 8 आ गया ना एवरीवन, 8 वाले टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही सिंपल, आइसोबारिक प्रोसेस है, बस फॉर्मूला यूज कर लेंगे आ जाता है अपने को आंसर। ठीक है, 9th वाला ये कभी तो महेश सर ने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस पेपर दिए थे उसमें ये डायरेक्ट ये सब रिजल्ट है। ओके, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देख भी सकते हो,
एवरीवन प्लीज कैमरा शुड बी ऑन। देखो इसमें उन्होंने क्या बोला है, पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ एलिवेटर एट रेस्ट हैज टाइम पीरियड T1। तो उसका टाइम पीरियड सपोज T1 है, कब? नॉर्मल कंडीशन में, जब भी आपने लिफ्ट में रखा है और लिफ्ट मूव, मतलब लिफ्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम पीरियड कितना है? T=2π√L/g। ओके ऐसा है। नाउ व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो उसका टाइम पीरियड बोला है व्हेन द एलिवेटर मूव्स अप विद एक्सेलरेशन a, तो उसका टाइम पीरियड T2 है। तो देखो आप लिख सकते हो T2=2π√L/g+a, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, और जब डाउनवर्ड आ रहा है तो कितना टाइम पीरियड है? T3, 2π√L/g-a। ये तीनों हमको दिया है और ये तीनों में ही रिलेशन चाहिए, तो क्या कर सकते हैं ना अब चाहिए, तो इसको इधर से जी निकालो। इधर देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले टर्म में से यहां से स्क्वायर करके ना अब जी निकालो, ओके। सेकंड वाले टर्म्स में से भी स्क्वायर करके G+A निकाल लो, थर्ड वाले से भी G-A निकाल लो, ऐसा। ओके देन क्या कर सकते हैं, ये 2 और 3 को ऐड कर दो। 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, देखो ये a कट हो जाएगा, तो 2g is equal to this। फिर आप g का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, g की जगह पे ये पुट कर सकते हो, फिर सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा कुछ ऐसा, √T2 T3 है ना, √2 × T2 T3 अपॉन √T2² + T3² ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो बाय हार्ट कर लेंगे तो भी अच्छी बात है ना। पेपर में जनरली ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाय हार्ट होगा तो फिर जल्दी आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 9, चलो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी सिंपल है, स्टेशनरी वेव का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th में कोई डाउट है क्या भाई एवरीवन? λ/2 लेंथ दिया है, बोला मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, तो एक लूप मतलब λ/2 वो 30 दिया है, तो आपको लैम्बडा पूछ रहा है 60। चलो 11 to 15 11th वाला आया, 11th वाला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला है कि म्यू इतना है, स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी दे दिया है ना, कैपिटल डी भी दे दिया है, वेवलेंथ गिवन है, लैम्बडा डिवाइड ही करना है बस, फ्रिंज विड्थ पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल। फिर 12th, ये 12th भी आपको मालूम है ना भाई, 12-13, अच्छा 12-13, ये 12th में उन्होंने बोला है, देखो 12th वाला ये गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन है जो आपने किया होगा जनरली CET में अपने को, देखो वैसे आपको तो सर ने बहुत कुछ कराया होंगे मगर CET में 4 है, ओके। 4 क्या क्या है? एक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर में क्या फॉर्मूला है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर ओके, जिसका समझो रेडियस है कैपिटल R और मुझे स्मॉल R डिस्टेंस पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, E = कितना K, समझो इस पे चार्ज Q है तो KQ² / r², करेक्ट ना, KQ² / r². सिग्मा के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऊपर क्या है, कैपिटल R स्क्वायर, सिग्मा R² / ε0 K R² हाँ ऐसा है फॉर्मूला है ना, ये मैंने फॉर्मूला लिस्ट भी दिया था वैसे, अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला लिस्ट सत्येंद्र सर ने भी दिया हुआ है आपको, तो ये स्फीयर का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा और एक डायरेक्ट है, और इनसाइड कितना होगा, अगर ये कंडक्टर है कंडक्टर वाला, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इनसाइड मीन्स व्हेन कैपिटल आर, और या तो ऐसा बोल सकते हैं व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इनसाइड 0। सरफेस पे कितना होगा, अगर आपको सरफेस पे चाहिए तो क्या करो, जहां पे भी क्या दिख रहा है स्मॉल आर, उसको पुट कर दो कैपिटल आर, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा सरफेस पे KQ² / R² सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं σ/ε0 K, ओके। और आउटसाइड का तो फॉर्मूला यही है, ये जनरल फॉर्मूला ही अपना आउटसाइड का है, तो E आउटसाइड ओके मीन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर वाला फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? एक ये स्फीयर है अपने सिलेबस में, दूसरा अपने सिलेबस में है सिलेंडर का फॉर्मूला। सिलेंडर का अगर समझो एक सिलेंडर है, देखो 2-4 जो स्टैंडर्ड है वो बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है 2-4 स्टैंडर्ड उस पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। हाँ तो ये सिलेंडर, इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इधर से मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिलेंडर के केस में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला एक है
ओके जैसे यहाँ पे के आता है, के अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं भी इसको ध्यान में क्या रखता हूँ, के इंटू 2 लैम्बडा बाय आर, के इंटू 2 लैम्बडा बाय आर है ना, के इंटू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्बडा बाय आर, ऐसे आपकी मर्जी, आप इसको चाहिए तो 2 से कट कर दोगे तो नीचे जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बन जाएगा, तो जैसे आपको बाय ऐड करना हो। तो एक जनरल फॉर्मूला ये है, यही सिग्मा के टर्म्स में क्या आता है, इनकेस अगर सिग्मा के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो दिस विल बी सिग्मा, सेम फॉर्मूला जैसा स्फीयर का है ना, सेम फॉर्मूला आएगा बट स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ये फॉर्मूला आता है। ये दो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। अभी इसी में अगर इनसाइड होगा, ई इनसाइड, इनसाइड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा है ना, अगर सरफेस पे होगा, सरफेस पे होगा तो क्या करना है आपको, सरफेस पे होगा तो स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर देना है फॉर्मूले में, ओके स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर देना है, और आउटसाइड होगा तो आउटसाइड का फॉर्मूला जो हमको दिख रहा है वही फॉर्मूला है, तो आउटसाइड का फॉर्मूला इज सेम। इज इज क्लियर एवरीवन? तो ये दो स्टैंडर्ड है। फिर थर्ड और फोर्थ कौन सा है बॉडी? थर्ड वाला बॉडी फॉर एनी शेप, और एक प्लेन शीट है, पहले प्लेन शीट, प्लेन इनफाइनाइट शीट, प्लेन इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? अगर कोई प्लेन शीट है उस पर समझो चार्ज है आपका सिग्मा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू कितना आता है बोलो एवरीवन, सिग्मा के टर्म्स में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हाफ आ जाता है ना, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के ऐसा ध्यान में रख सकते हो चाहिए तो, ओके। और एक दूसरा वाला लास्ट वाला है फॉर एनी शेप, एनी शेप होगा तो हाफ नहीं कंसिडर करने का, बस E का फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। ऐसे चार बॉडी अपने को सिलेबस में मतलब स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, तो ये चारों के लिए हमको फॉर्मूला बाय हर्ट होना चाहिए, जैसे स्फीयर का तो बाय हर्ट होना ही चाहिए, सबसे स्टैंडर्ड है भाई ये। फिर ये अपना सिलेंडर के लिए देखो, सीईटी में उन्होंने ये सिलेंडर पे क्वेश्चन पूछा है, तो सिलेंडर पे मुझे बताओ सिलेंडर पे क्या रिलेशन है स्मॉल आर का, ई और स्मॉल आर में कैसा रिलेशन है, E और स्मॉल आर में कैसा रिलेशन दिख रहा है, इनवर्स दिख रहा है, तो वही उन्होंने यहाँ पूछा है ना। क्लियर एवरीवन? फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्मॉल आर से कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये वाला फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया? ये चार स्टैंडर्ड है अपने को सीईटी के लिए, चारों बाय हर्ट होने चाहिए। और मैं तो बोलूं चार में से क्या, तुम्हें दो ही तो ध्यान में रखना है, ये तो सिंपल है, और ये दोनों में क्या है देखो, ये एक ध्यान में रखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, यहाँ पे के 2 लैम्बडा बाय आर है ना, थोड़ा ऐसे ध्यान में रखो, बहुत टफ नहीं है, ये चार स्टैंडर्ड है अपने सीईटी के लिए। क्लियर? क्लियर एवरीवन? तो क्या आएगा अपना इसका आंसर, सेकेंड आएगा। चलो देन मूविंग टू एंजल, क्लियर ना, समझा ना? हाँ, तो ये अपना आ जाएगा ऑप्शन, इसलिए मैंने सेकंड वाले में करेक्शन करा दिया था। चलो फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट 13th आया, 13th सर डाउट है, अच्छा 13th वाला डाउट है। देखो 13th वाला क्वेश्चन क्या है ना, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब आपको इसमें दो फॉर्मूले अगेन यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे तो आपको मालूम ही होगा, नो डाउट कि आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम होगा। सेंटर पे कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड, मुनी बाई 2R, मुनी बाई 2R, मैंने ऐसा कुछ ध्यान में रखा था, मुनी बाई 2R सिंपली। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है मुनी बाई 2R, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड आर इज अ रेडियस, ओके। और अगर यही समझो अगर कॉइल के एक्सिस पे पूछ रहा है, ये कॉइल का एक्सिस है, ये आपका रेडियस समझो, अगर अगर आप ए लेते हो, मैंने जब बाय आउट किया था, मैंने पहला फर्स्ट टाइम ए के टर्म से बाय आउट किया था, तो आपकी मर्जी, आप ए रखो आर रखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये डिस्टेंस को क्या रख लेते हैं, स्मॉल आर, ये डिस्टेंस को रख लेते हैं स्मॉल आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला क्या आता है, तो भाई ये फॉर्मूला आता है, ओके कुछ फॉर्मूला बाय हर्ट है, ये फॉर्मूला कुछ म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, मुनिया स्क्वायर, मैंने ऐसा बाय हर्ट कर लिया था, मुनिया स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल पावर 3/2, ओके। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में लेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, ये आपका आर होगा,
उसी का क्यूब है, तो इसी को आप लिख सकते हो, आर क्यूब भी लिख सकते हो. ओके, तो ऐसा फॉर्मूला है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस. अगर एक्सिस पे चाहिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, और सेंटर पे चाहिए तो मुनी अपॉन टू आर. नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया होगा तो एन को वन रख देंगे फॉर्मूले में. क्लियर एवरीवन? हाँ, तो ये दो फॉर्मूला है. अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, और मैं आपको बताऊँ ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन और भी एक पेपर में पूछा है, तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है. ओके, तो देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3R ऑन इट्स एक्सिस. कि एक्सिस पे अगर 3R का डिस्टेंस रखेंगे, देखो इधर ये डिस्टेंस आपको दिया है 3R, तो अगर ये 3R है ये R है, तो सेंटर पे तो मालूम है सेंटर पे कितना आएगा, मुनी बाई 2R. तो मुनी बाई 2R में नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लिया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R. एक्सिस पे क्या होगा, वही मुनी आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स वाला, तो एन 1 है तो म्यू नॉट आई मुनिया ए रखा था उसमें, ए वहां पे रेडियस रखा था बायट करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने रेडियस को क्या बोला है, आर बोला है. तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बट एक्स कितना है आपका यहाँ पे 3R है, तो ये एक्स 3R है, एक्स 3R अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, ये एक्स को उन्होंने 3R दे दिया, तो एक्स स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 9R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये 9R स्क्वायर आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10R स्क्वायर. 10R स्क्वायर का 3/2 करना है, तो आर स्क्वायर का 3/2 करोगे तो आर क्यूब होगा, है ना एवरीवन, आर क्यूब होगा, और ये 10 का पावर में आएगा 3/2. ओके, हाँ तो देखो ध्यान से देखो इधर आर क्यूब एक आपको नीचे मिल रहा है आर क्यूब, यहाँ पे भी आर क्यूब आएगा, तो ये आर क्यूब कट हो जाएगा, और ये 10 इवन 10 पावर 3/2, क्या उसको लिख सकते हैं 10√10, 10 पावर 3/2 को लिख सकते हैं 10 पावर 1, 10 पावर हाफ मींस 10, 10√2, ये 10√2 आ गया. अंडरस्टूड सोहम? पक्का ये फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. आगे भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन में दिखा मुझे ये फॉर्मूला, ये पूछा है डायरेक्ट, तो आपको सेंटर पे ये फॉर्मूला होता है, बाय हार्ट कर लो. ओके, आपको जैसे बाय हार्ट करना है इट इज अप टू यू. ओके, मैंने तो ऐसे किया था, ऐसे भी इजी होता है बाय हार्ट करने में. मुनिया स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल पावर 3/2, वेयर ए इज द रेडियस, एक्स इज दिस, और ये आर है, क्योंकि बायोट सेवेस्ट लॉ में जनरली इसको आर लिया करते हैं, इसके लिए यहाँ पे आर रखा है. ओके, उसको आर रखा है स्मॉल आर, तो ऐसा फॉर्मूला आ गया. चलो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट मूविंग टू 14 वाला बहुत ही सिंपल है, ई इज इक्वल टू डी5 बाई डीटी करो, आंसर आ जाता है ना. 14 वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 15 में भी सिंपल ही है, बोल रहा है कभी हाफ होगा, पीक वैल्यू का हाफ कभी होगा, तो ई को पुट कर दो ई नॉट बाई टू, फिर कटपिट कर दो, और साइन को पुट करो 2π बाई टी इंटू टी. ऐसे आपने ऑसिलेशन में भी किया हुआ है कि कितने टाइम के बाद वो ए बाई टू पे जाएगा, है ना, ऐसे तो क्वेश्चन किए हैं, तो सेम वही है, टी बाई ट्वेल्व. क्वेश्चन नंबर 15. चलो फिर 16 वाला भी सिंपल एकदम, एनर्जी का रेशियो पूछा है. बोलो क्या क्वेश्चन ईजी पूछा है. कोविड के बाद जो पेपर बनाया था ना वो थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी था, ये सब 21 का पेपर जो है ना आपको रिलेटिवली थोड़ा ईजी लगेगा. ओके, तो ये एनर्जी का रेशियो 25/9. क्लियर 16 एवरीवन? फिर 17 वाला लॉजिक गेट है ये. आया क्या 17 में? सिंपल है, उन्होंने बोला है कि पहले ए बी सी डी को देखो, मैंने यहाँ दो कलर यूज कर लिया कि पहले ये 1111 है, तो उनको यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 110 मिल रहा है. फिर सेकेंड केस में क्या बोला कि ए और सी को चेंज किया, 1 से 0 कर दिया, और बी और डी को सेम रखा है, तो अभी आउटपुट क्या होगा. हाँ, तो वो हिसाब से आप फाइंड करोगे आ जाएगा. अरे आएगा ना ट्रूथ टेबल में, किसी को डाउट नहीं है ना एवरीवन लॉजिक गेट पे. हाँ, तो ये आना चाहिए. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17. चलो फिर 18, 19, 20. 18 वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज किया है यार. ओके, 18 वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया है ना हर्ष? 18 आया क्या? 18 वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट टू बी फ्रैंक मेरे को इसमें थोड़ा टाइम लग गया. मैं बोला किया क्या है इसमें, क्योंकि देखो हमको एक बात मालूम है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एन स्क्वायर. वेलोसिटी का इनवर्स होता है. अब उनको चाहिए एन चाहिए तो क्या कर सकते, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंटू रेडियस करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू एन आएगा ना. हाँ, तो मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंटू आर. उन्होंने क्या पूछा है,
कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वन अपॉन वी आर होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी आर, तो ये इनवर्स में वन बाय वी आर करेंगे तो फाइनली वी आर ही आ जाएगा, है ना, थोड़ा वर्ड खाली कंफ्यूज किया है। इज इज क्लियर एवरीवन? तो क्वेश्चन नंबर 18 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी आर, डायरेक्टली बोला होता तो आंसर टू आता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला होता क्वेश्चन 18 में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ऑप्शन टू आता क्वेश्चन 18 में। ओके चलो 1920 वाले का 100 मिली एम्पियर आता है, इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो 100 मिली एम्पियर आएगा वो। आ गया भाई एवरीवन 1920 21 to 25 21 to 21, तुम लोग का सही में मैग्नेटिक मटेरियल पिछली बार भी डाउट पूछ रहे थे आप लोग, मैग्नेटिक मटेरियल में दो चार ही फॉर्मूले बाय हर्ट कर लो यार, उधर से कोई एक क्वेश्चन आएगा आपको आसानी से मार्क्स देके जाएगा। ओके करण, द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, उसका वेट दिया है, ये उन्होंने बोला है वेट मगर दिया तो ग्राम है, मतलब ये मास है, मास दिया है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज दिस, मैग्नेटाइजेशन, देखो वापस फॉर्मूला बेस्ड जो पहले भी सीईटी में आया था पेपर में पहले, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मुझे नेट मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन्होंने दे दिया है कितना 3, बट वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं भाई, हाँ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, तो ये वॉल्यूम निकालो एंड वॉल्यूम जितना आ रहा है पुट कर दो। अरे क्लियर, पहले भी पेपर में आ चुका है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, बट वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं दे देंगे, डायरेक्ट दे देंगे तो ईजी हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए थोड़ा डेंसिटी दे देंगे, मास दे देंगे, डेंसिटी निकाल लो, तो डेंसिटी निकाल के ही अपने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 4 आ जाता है फिर, है ना, 3 × 10^5। क्लियर एवरीवन 21, चलो 22 23 24, 21 to 25 में और कोई डाउट? 22 25 कौन सा माही, 25 ये 2 आ गया सबको, 2 3 4, क्योंकि अपने को वापस पीछे नहीं आने का, इसके लिए 2 आ गया सबको पक्का ना, 2 3 वाला भी आ गया, 3 वाला बहुत सिंपल है इंटरफेरेंस वाला, ओके 3 फिर 4 वाला भी सिंपली उन्होंने पूछा है कहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ओके 4 फिर आ जाते हैं 25, हाँ 25 अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्टार करके भी रखा है 25, नाइस प्रॉब्लम। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के, ओके स्प्रिंग का फोर्स कॉन्स्टेंट गिवन है के है, इज कट इंटू 2 पार्ट हुज लेंथ आर इन द रेशियो 1:2, ओके तो ये स्प्रिंग है सपोज, इसको कट किया, इसका लेंथ का रेशियो क्या रखा है, अगर ये एल सपोज इसका लेंथ अगर एल लिया तो ये एल बाई 3 और 2L/3 हो गया ऐसा कुछ, तो लेंथ का रेशियो दिया है कि 1:2 है, ओके 2 पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, अब उसी दोनों पार्ट को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया और फिर एक मास से अटैच कर दिया, ओके और हमको पूछ रहा है अभी अभी क्या होगा, अभी टाइम पीरियड कितना होगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों का इनिशियल स्प्रिंग बोला है कि जो पहले स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है, के है, के ओके तो स्मॉल पार्ट का एफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो के को क्या लिख सकते हो, एफ बाई एक्स, इनिशियली जब एफ इज इक्वल टू के इंटू एलोंगेशन यहाँ पे कितना हुआ है एल, हाँ तो हम लिख सकते हैं के क्या है अपना एफ बाई एल इनिशियली जब कट नहीं किया था, तो कट करने के बाद छोटे वाले का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ, बट लेंथ कितना है एल बाई 3, तो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो गया 3K, ओके बड़े वाले का कितना हो जाएगा एफ अपॉन 2L/3, तो ये हो गया 1.5K। अरे पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में अपना वही रेजिस्टेंस वाला फंडा, प्रोडक्ट वाइज सम अगर आप 3 और 1.5 का करोगे तभी तो 1 आएगा ना, देखो 3 × 1.5 / 3 + 1.5 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो मतलब एक का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मिल गया 3K, एक का मिल गया 1.5K, ओके 3 और 1.5K, एक मिनट में पैरेलल की बात नहीं, अरे एक मिनट वो तो सीरीज में लगेगा ना, सीरीज में लगेगा 3 और
इसका कैपेसिटर जैसा होता है, स्प्रिंग किसके जैसा होता है भाई, कैपेसिटर जैसा, हाँ सॉरी हाँ मैंने सी रेजिस्टेंस कैपेसिटर जैसा होता है। तो इसका जो सीरीज में 3 और 1.5 होगा ये कंबाइंड होकर कितना मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट वाइज सम करके आएगा के के, बट अभी आपने इसी 3 और 1.5 को पैरेलल में लगा दिया, तो स्प्रिंग का पैरेलल मतलब रेजिस्टर का सीरीज जैसा है ना। हाँ तो अभी इसका के इक्वेलेंट कितना आ जाएगा, के इक्वेलेंट आ जाएगा के पैरेलल विल बी 4.5 के। हाँ तो 4.5 के यहाँ पे पुट कर दो, वी नो टी इज इक्वल टू 2π√m/k, बट के को पुट कर देंगे 9/2k 4.5k, तो ये आ जाएगा अपना है ना। फिर 9 को आप बाहर ले सकते हो और 2 ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2π/3√2m/k। अंडरस्टूड एवरीवन? स्प्रिंग कट किया है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है मगर अच्छा क्वेश्चन है, रॉन्ग होने के थोड़े चांस है इसमें, तो आपको पहले सोचना है कट किया, जो लेंथ छोटा होगा उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बड़ा होगा। देन 25 समझ में आया, दोनों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालो, दोनों को ऐड कर दो पैरेलल में, ऐड करने के बाद ये मिल गया, चलो ये था 25। देन मूविंग टू 26 में मालूम है ना ये एवरीवन, 26 में हमको स्पीड CRMS का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, CRMS इज √3p/ρ ऐसा लिखते हैं। ऑन द अदर साइड C किसका, साउंड का, साउंड के लिए स्पीड का फॉर्मूला होता है √γp/ρ, मालूम है ना भाई एवरीवन, γp/ρ। ये गैमा पी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज गैमा पी, गैमा इंटू पी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक, बीटा एडियाबेटिक, बीटा एडियाबेटिक। कुछ मालूम है कि नहीं, वो न्यूटन दो फॉर्मूले दिए थे स्पीड ऑफ साउंड के, पहले न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, उसने बोला आइसोथर्मल होगा, फिर लैपलास ने उसने करेक्शन किया था, उसने बोला नहीं एडियाबेटिक होगा, तो उसने यहाँ पे गैमा करेक्शन किया था। ओके तो ये √γp/ρ और ये अपना CRMS √3p/ρ, ये बहुत बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दोनों को डिवाइड करेंगे। ओके दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, किसके टर्म्स में चाहिए हमको, γ/3 गैमा, मतलब दोनों को डिवाइड कर लो वैसे किसके टर्म्स में चाहिए, आप करके भी ऐसे देख सकते हो, CRMS अपॉन सी साउंड कितना आ जाएगा अपना √p/ρ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/ρ नहीं 3/γ, 3/γ, अब बस इसमें रिलेशन निकालो आ जाएगा आंसर। क्लियर एवरीवन? हाँ तो कौन सा आता है इसमें अपना ऑप्शन, ऑप्शन हम चेक करेंगे तो सी साउंड इज √γ/3 × c आएगा, यहाँ पे सी अपना है, अच्छा सी साउंड क्या है, एक मिनट सी एस क्या है, अच्छा ये साउंड ही है और सी यहाँ पे सी आर एम एस, तो बाय डिफॉल्ट ये सी सी आर एम एस है और ये साउंड में स्पीड है। ओके सॉल्व करके आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्लियर एवरीवन? ओके तो ये 26, फिर 27, 28, 29, 30 till 30 कुछ डाउट है, till 30 बोलो, मैं थोड़ा आपको ओवर भी बोलते जा रहा हूँ वैसे हर एक का। इन्होंने सिंपली 27 में क्या पूछा है, एक्सेस प्रेशर पूछा है, ये एक्सेस प्रेशर कितना होता है बबल के लिए, कितना बबल के लिए, 40/r, बबल जिसके दो फ्री सरफेस होंगे तो आएगा 40/r, अगर एक फ्री सरफेस होगा, बबल अगर पानी में है, बबल पानी में है तो उसके एक ही फ्री सरफेस है, तो वहां पे क्या होगा, बबल के लिए भी 2t/r ही आएगा, है ना अंकित, बबल अगर पानी में होगा तो 2t/r, बबल हवे में है तो दो फ्री सरफेस है तो 40/r। ओके और ड्रॉप के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप उसमें एक ही फ्री सरफेस होगा तो 2t/r। अभी ऐसा कोई मेनिस्कस है, तो ये मेनिस्कस है तो इसके एक साइड में हवा है, एक साइड में पानी है, तो कितने फ्री सरफेस है, वन फ्री सरफेस मतलब क्या आएगा, एक्सेस प्रेशर 2t/r। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इधर और इधर के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, तो 2t/r आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 27, चलो फिर नेक्स्ट टिल 30 कुछ डाउट है क्या, एनीवन, कुछ बोलते भी नहीं है लोग यार। 28 ये अपना रेडिएशन का रेशन का रेशियो है, 29 में हमको बोला है बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर ले सकते हैं, ठीक है। मीन डेंसिटी दिया है, क्रिटिकल वेलोसिटी पूछा है, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, √gm/r। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है मालूम है एवरीवन, अरे तुम लोग का फेस रिकॉर्ड हो रहा है यार, दूसरे बच्चे देखेंगे, इच्छा सीईटी में बच्चे क्या पढ़ रहे थे, क्या पूछ रहे थे। ओके तो थोड़ा
अंकित बीन कैमरा। हाँ ये भाई क्रिटिकल वेलोसिटी देखो ना, स्किप स्किप वेलोसिटी में यहाँ पे क्या आता है, 2gm/r आता है ना, रूट टू टाइम्स ऑफ क्रिटिकल स्किप वेलोसिटी, बट क्रिटिकल होगा तो रूट gm/r। अब उनको किसके टर्म्स में चाहिए, डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जहां पे m है उसको लिख दो 4/3πr³, 4/3πr³, तो एक r क्यूब और एक नीचे वाला r कट हो जाएगा, तो r स्क्वायर को आप रूट के बाहर लोगे तो r आ जाएगा, और 4 को भी रूट के बाहर ले लिया तो 2r, तो 2r रूट 0π/3 है ना, 2r रूट 0π/3 ऐसा आ जाएगा। Understood everyone, root gm by r एक ही formula है, root gm by r close to surface of earth वाले केस में, root gm by r वहीं पे हमको mass को density into volume रखना है और solve करना है, तो वो अपना question number 29। चलो next 30 वाला भी clear है भाई, 30 clear, question number 31 to 35, वैसे मैंने solve करके दिया है ये, आपको अगर मालूम होगा ये डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है एसिमेट्रिक होता है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे वही समझाया है कि अगर ऑब्जर्वर मूव हो रहा है सोर्स रेस्ट पे है, और सेकेंड वाले किसमें उल्टा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे सोर्स मूव हो रहा है, दोनों का स्पीड अगर सेम होगा ना तो भी आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कब, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स विल बी मूविंग, जब सोर्स मूव होगा ना तो वो केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा मिलेगा। ओके तो दोनों केस में रिलेटिव वेलोसिटी सेम होने के बाद भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मिलता है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स कि कौन मूव हो रहा है। ओके इसके लिए हम बोलते हैं कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज एसिमेट्रिक, बट लाइट में सिमेट्रिक होता है, लाइट में कोई भी मूव हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके तो 30, चलो देन 31 to 35, नो डाउट 31 to 35 पक्का, 31 अपना डायरेक्ट कूलम्स लॉ है, 32 अपना इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला। ओके 32, फिर 33, अच्छा 33 में एक मिनट देख लो, 33 में उन्होंने बोला है आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलने का मीनिंग क्या है, एफिशिएंसी कितना होगा 1, एफिशिएंसी 1 होगा मतलब पी इन इज इक्वल टू पी आउट है ना, या तो प्राइमरी में जितना पावर होगा उतना ही सेकेंडरी में होगा, ऐसा लिख सकते हैं, प्राइमरी में जितना पावर होगा उतना सेकेंडरी में भी पावर होगा। ओके हमको V1 V2 दिया है कि उसका कन्वर्ट्स दिस मच वोल्ट टू दिस मच वोल्ट, मतलब ये प्राइमरी का वोल्टेज है सेकेंडरी का वोल्टेज है, और उसका पावर भी दे दिया है ट्रांसमिट पावर ऑफ दिस। If primary coil has, आगे missing है कुछ तो, primary coil का number of turns है, then alternating current in a second coil पूछा है। इस second coil में आपको power same ही मिलेगा ना? Ideal transformer है, तो can I say P1 is equal to P2? तो secondary coil में भी power तो इतना ही आने वाला है। तो power अगर इतना ही आएगा, तो आप क्या कर सकते हो? देखो मैंने आगे बहुत सारे information यहाँ लिखने का try किया, वो जरूरत ही नहीं है इतना कुछ। Okay, क्योंकि सेकेंडरी का मुझे पावर मालूम है, सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम है, और सेकेंडरी में पूछा क्या है उन्होंने, करंट, तो P is equal to VI लगा दो सेकेंडरी के लिए, 4.4/3.3 करके आ गया 4/3, खत्म, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया दिस इज आइडियल ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी इज 1, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, प्राइमरी में जितना पावर होगा उतना सेकेंडरी में होगा। क्लियर एवरीवन? 33 चलो टिल 35, 34 भी सिंपल है, 34 सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आता है ना यार, 34 ये तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे यार, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा रिप्लाई करो थोड़ा, 34 आया 34, हाँ तो कम से कम मुंडी हिलाओ, रिप्लाई नहीं करो मुंडी तो हिलाओ, समझ में आए, 34 आया हाँ, 35 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, d θ/dt वाला, वो भी आ गया। एवरीवन 39, अच्छा 39 ठीक है, एक मिनट थोड़ी देर के सेक्शन में आते हैं, 36 37 38 में डाउट नहीं है, पक्का नहीं है एवरीवन, 36 37 38 ये 38 वाला देखो, टर्मिनल वेलोसिटी है भाई, टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चन ज्यादा चांसेस रहते हैं अच्छे से कर लेने का,
आपने इतने पेपर देखे, आपको कितने पेपर मिल गए हैं? टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसने अभी भी नहीं किया वो कर ले जरूर अच्छे से, ओके। हाँ, 39 में हमको क्या बोला है? एन इंसुलेटेड कंटेनर कंटेनिंग अ मोनो एटॉमिक गैस ऑफ मोलार मास इतना दिया है, इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, इफ द कंटेनर इज सडनली स्टॉप्ड। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जेई में आया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले आई गेस, दो तीन दिन पहले बच्चों ने पूछा था ये ग्रुप में, डाउट के ग्रुप में। अच्छा क्वेश्चन था, एकदम जेई का क्वेश्चन था, मस्त वाला क्वेश्चन, ओके। जेई में भी ये टाइप का क्वेश्चन, वो थोड़ा सा ट्विस्ट किया था उसमें, ओके, बट ये डायरेक्ट थोड़ा पूछ लिया आपको कि क्या बोला है कि सडनली आपने स्टॉप किया व्हीकल को, तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो करना क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और इन्होंने बोला है कि मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, गैमा इज इक्वल टू 5/3, है ना? हाँ, तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, हाफ एमवी स्क्वायर को इंटरनल एनर्जी से इक्वेट कर दो, खत्म। हाफ एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT, हाफ एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT कर दो, ओके। हाँ, तो हमको क्या मिल जाएगा? एमवी स्क्वायर बाई थ्री आर मिल जाएगा, करेक्ट ना एवरीवन? काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी से इक्वेट करो, काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी से इक्वेट कर दो। कंटेनर सडनली स्टॉप, द चेंज इन टेम्परेचर इज, हाँ यही है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन, एक मिनट रुको, मोनो एटॉमिक गैस का मोलार मास दिया है ना, ये मोलार मास अगर दिया है, मोलार मास दिया है, ये डायरेक्ट हमने इक्वेट तो कर दिया है, मगर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे ना, और टेम्परेचर पूछा है ना, नहीं फिर भी तो उधर ही जाएगा ना ये। हाँ देखो, एक मिनट रुको, यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब सॉल्विंग स्टेप में क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 3/2 NRT होता है ना, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स, क्या उसको लिख सकते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सपोज मास के लिए m डैश रख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट को उन्होंने स्मॉल m बोला है क्वेश्चन, ओके। तो आपका मास दोनों साइड कट हो जाएगा, मास कट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट हमको मिलेगा, हाँ नहीं मतलब टेम्परेचर क्या मिल जाएगा अपने को, तो m अपॉन 3R, है ना, mv² / 3R ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे m मॉलिक्यूलर वेट है, m इज मॉलिक्यूलर वेट नॉट मास, मास कट हो जाएगा, क्लियर एवरीवन? हाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट 40 आ गया एवरीवन, 40 वाला हो गया, 40 वाला साइक्लिक प्रोसेस है, उन्होंने पूछा है नेट हीट सप्लाइड, है ना, वही पूछा है ना, कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क, है ना, क्यों? क्योंकि डेल्टा यू जीरो होता है, तो नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क, मतलब आपको वर्क ही निकालना है। वर्क कैसे निकालेंगे ये एक बार ध्यान से सुनो एवरीवन, ऐसे कभी भी अगर आपको सर्कल जैसा दिखेगा ना, तो कृपया करके पाई आर स्क्वायर यूज नहीं करें एरिया के लिए, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर यूज मत करो, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर यूज मत करो। ये एम्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि भले ही ये सर्कल दिख रहा है, मगर क्या पता कि जितना इधर डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इधर है कि नहीं। इसके लिए जनरली क्या कंसिडर करने का, भले ही हमको सर्कल जैसा दिखता है ना, आप ऐसा समझो कि ये ए है ये बी है, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है? पाई ए बी यूज करो, ओके, टू अवॉइड कंफ्यूजन। यहाँ पे तो हमको देखने में लग रहा है सर, आप बोलोगे सर यहाँ पे 30-10 20 हो रहा है, सर यहाँ पे भी 20 हो रहा है, तो यहाँ पे बराबर है, करेक्ट है। बट एक बार उन्होंने पूछा था ऐसा, जिसमें दे दिया था सर्कल, और उसमें बच्चों ने क्या किया, समझो यहाँ का रेडियस निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया, मगर उसको रॉन्ग दिया, ओके, क्योंकि वो सर्कल दिख रहा है, मगर हो सकता है कि यहाँ पे जितना डिफरेंस है वहां उतना ही डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए आप सर्कल दिखने के बाद भी उसको एलिप्स जैसा समझ के पाई ए बी यूज करने का, कि यहाँ का रेडियस लेने का, यहाँ का लेने का, बाद में उसको मल्टीप्लाई करते, ओके, तो उससे करेक्ट आंसर आएगा पाई ए बी। क्वेश्चन नंबर 40, चलो 41 to 45 अच्छा 41 में डाउट है करण, ओके देखो 41 क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी, ओके सो हम 45, अच्छा
टोटल एनर्जी कितना है अपना, हाफ के स्क्वायर होता है, मालूम है ना भाई? ऑसिलेशन में तीन टाइप की एनर्जी, बोलो फटाफट एक बार। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक का फॉर्मूला? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और के को हम लोग अगर जरूरत पड़ेगा तो एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि के बाई एम क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज के? एम ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो देखो हाफ के स्क्वायर, अब मुझे मास के टर्म्स में चाहिए तो इसके लिए एम ओमेगा स्क्वायर रख दिया, ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो भाई? टू पाई एफ भी लिख सकते हो। तो टू पाई एफ का स्क्वायर, तो फोर पाई स्क्वायर, फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। हाँ, फिर ये टू से कट करो, टू से कट करेंगे टू रह जाएगा बाहर, तो टू एम बाहर ले लो पाई एन ए का स्क्वायर, तो टू एम बाहर पाई एन ए का स्क्वायर। करेक्ट ना करण? हाँ सर। बस उसी को घुमाने का है भाई, इसमें क्या है? के को एम ओमेगा स्क्वायर लिखने का, ओमेगा को टू पाई एफ, टू पाई एन लिख देने का। ओके, तो 41। चलो फिर 42, 43, 42 अगेन सिंपल है बहुत। तो कितने बार देखो क्वेश्चन आ गया ये मैक्सिमम मिनिमम वाला, इसी पेपर में सेकेंड टाइम है। वहां पे मैक्सिमम मिनिमम वाला पूछा था लाइट में, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पूछा है साउंड में, मतलब वेव टॉपिक में पूछ लिया है, बट पूछा भाई ये मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो। ओके, 42 में भी डाउट नहीं है एवरीवन, ठीक है? 42, 43 भी आ गया पक्का? 43 आया ना? 43 आया, मुंडी हिलाओ बोलो, आया 43 आया? हाँ 43। 44, 44 भी आ गया? 44 आया, आया कि कराऊं? कराऊं, आ गया। 45, हाँ 45 में पूछ रहा था सोहम। 45 देखो, 45 में बोला है ये गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये तुम्हें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने आता है ना? गैल्वेनोमीटर के दो कन्वर्जन सिलेबस में है अपने को, क्या? एक एमीटर और एक वोल्टमीटर। एमीटर, ये एमीटर का व्हाट इज आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर? फटाफट बोलो। जीरो। व्हाट इज यूज ऑफ एमीटर? टू फाइंड करंट, है ना? ऑब्वियस बात है, टू फाइंड करंट। करंट एमीटर वोल्टमीटर दोनों की मम्मी कौन है? एमीटर वोल्टमीटर दोनों की मम्मी कौन है भाई? गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को ही डिराइव करके कुछ तो करके हमने दोनों को बनाया है, एमीटर वोल्टमीटर को। हाँ, तो एमीटर क्या फाइंड करता है? करंट। वोल्टमीटर क्या फाइंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जीरो। वोल्टमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? वोल्टमीटर का जल्दी बोलो या रिप्लाई करो फटाफट, कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए स्मॉल, स्मॉल इसका होना चाहिए एज हाई एज पॉसिबल, एज हाई एज पॉसिबल, हाई होना चाहिए, वेरी हाई। ओके, एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्शन में करते हैं? सीरीज में कि पैरेलल में? एमीटर को एक्सटर्नल सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं, वोल्टमीटर को एक्सटर्नल सर्किट के साथ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ओके, मगर एमीटर बनाने के टाइम गैल्वेनोमीटर के साथ हम पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको बोलते हैं शंट। ओके, बच्चे कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर अभी तो मतलब एमीटर को सर सीरीज में लगाते हैं ना सर, तो यहाँ पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं? ये एमीटर जब हम लोग गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ में स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं शंट। शंट, हाँ, तो ये जी, ये एस। ओके, ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट है, इसमें एमीटर कौन है? पूरा, हाँ, ये पूरा सेटअप ही एमीटर है भाई। तो ये एमीटर, ये भी बच्चों को डाउट होता है कभी कभी, सर ये गैल्वेनोमीटर है शंट है एमीटर का है सर? यही एमीटर है भाई। ओके, और जब भी आप क्या करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोल देते हैं वोल्टमीटर। तो दिस इज वोल्टमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि शंट का क्या फॉर्मूला आएगा? शंट, शंट, तो शंट का फॉर्मूला क्या है बोलो? क्या फॉर्मूला है शंट का और सीरीज रेजिस्टेंस का? जल्दी बोलो यार, शंट का फॉर्मूला g into n minus 1। अच्छा, g अपॉन n माइनस वन है यार, यहाँ पे g अपॉन n माइनस वन है, यहाँ पे g into n minus 1 है ना, g अपॉन n माइनस वन। वेर व्हाट इज n? n क्या होता है भाई? i बाई आई जी, आई बाई आई जी मीन्स नया करंट कितना फाइंड करवाना है, न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। पहले मीटर की कितनी औकात थी, नई औकात कितनी करनी है, कितना रेंज आपको इंक्रीज करना है, तो न्यू अपॉन ओल्ड, न्यू अपॉन ओल्ड से मिल जाता है एन। यहाँ पे भी एन क्या होता है भाई? ये भी अगेन वही है, न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, न्यू रेंज
अपॉन ओल्ड रेंज. ओके, कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करने में ना, देखो अगर आपने फॉर्मूला इजी वाला बाय हार्ट किया है तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूले को ट्विस्ट करने आना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें और भी फॉर्मूले हैं. अगर आप जी अपॉन एन माइनस वन जी इंटू एन माइनस वन, कितना मस्त फॉर्मूला है, कितना ईजी फॉर्मूला है. मगर जब ये सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन में आपको वी जी नहीं दिया होगा, डायरेक्ट वी जी नहीं दिया होगा, तो कहाँ से निकालेंगे हम लोग, आई जी इंटू जी करके वी जी निकाल लेंगे, है ना, वी इज इक्वल टू आई आर. चलो मूविंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं. यहाँ पे इन्होंने बोला है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो जी का वैल्यू दे दिया है. इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट अलॉन्ग विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 1950 ओम इन सीरीज. तो आपके पास गैल्वेनोमीटर 50 ओम का है, गैल्वेनोमीटर 50 ओम का, बट ऑलरेडी उसको सीरीज में कनेक्शन किया है 1950 के साथ में. ओके, 1950 के साथ में उसको कनेक्शन करके रखा हुआ है. हाँ, फिर क्या बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर शोस अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 30 डिविजन्स. तो 30 डिविजन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया. टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन टू 10 डिविजन, ये मतलब रेंज कितने टाइम्स करना है. अगर अभी रिड्यूस हो जाए डिफ्लेक्शन, अभी 10 डिविजन पे आ जाएगा, जितने करंट पे पहले वो 30 डिविजन दिखा रहा था, उतने ही करंट पे अभी अगर वो 10 डिविजन दिखा रहा है, तो क्या आप करंट 3 टाइम्स ज्यादा मेजर कर सकते हो ना. बातों को समझो, है ना. तो रेंज, रेंज कितना, एन कितना आएगा, फिर एन यहाँ पे आएगा 3, एन 3 आएगा. तो शंट वो पूछ रहा है, शंट का फॉर्मूला बोलो, शंट का फॉर्मूला क्या था अभी, शंट इज इक्वल टू जी इंटू एन माइनस वन, जी इंटू एन माइनस वन. बट भाई बच्चा मिस्टेक यहाँ पे क्या करता है, जी को 50 ले लेता है. अरे 50 के साथ आपने 1950 पैरेलल में लगा, अरे सीरीज में लगा दिया है ना, तो आपका ऑलरेडी ये जी यहाँ पे 2000 है. तो 2000 इंटू एन कितना है, 3 माइनस वन, तो 4000. तो 4000 ओम का शंट लगाना पड़ेगा इन पैरेलल. 4000, एक मिनट, बराबर कर रहे हैं ना हम लोग यार. नहीं नहीं, एक मिनट भाई, शंट है ना, तो जी अपॉन एन माइनस वन आएगा ना. इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, शंट मतलब छोटा वैल्यू. जी अपॉन एन माइनस वन, जी अपॉन एन माइनस वन, जी अपॉन एन माइनस वन. तो जी है 2000 डिवाइड बाई कितना, 3 माइनस वन, तो 2, तो 1000 ना. एमीटर बनाने का, वोल्ट मीटर बनाने का यार. तो पहले क्या था वो बराबर था सर, वो पहले क्या था वो बराबर था, 1000 तो ऑप्शन में ही नहीं है. एडिशनल रेजिस्टेंस, अच्छा सीरीज की बात कर रहा है. हाँ हाँ, एक मिनट, सीरीज में पूछा है ना भाई, सीरीज में पूछा मतलब वोल्ट मीटर वाला क्वेश्चन है. हाँ, वोल्ट मीटर वाला है, शंट नहीं लगाना है, है ना. मैं वही देख रहा था कि क्या है. हाँ, सीरीज रेजिस्टेंस पूछा है, तो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, जी इंटू एन माइनस वन है, है ना. हाँ, तो करेक्ट है. तो 2000 इंटू 3 माइनस वन, तो 4000 ओम एडिशनल इतना लगाना पड़ेगा. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता, मार्बल में ऐसे 2-4 क्वेश्चन है ट्विस्ट वाले, अगर उन्होंने पूछा होता व्हाट टोटल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द 50 ओम, तो 50 ओम के साथ अगर आप देखो तो अभी टोटल कितने कनेक्टेड है, पहले से 1950 था और अभी आपने ये 4000 एक्स्ट्रा कनेक्ट किया, 4000 एक्स्ट्रा कनेक्ट किया, मतलब ये कितना हो गया अपना, ये 5950 हो गया, करेक्ट ना, इतना हो गया टोटल. इसमें क्वेश्चन पे ट्विस्ट करते हैं, मार्बल में 2-4 क्वेश्चन है ऐसे अच्छे अच्छे, उसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करें, एमीटर वोल्ट मीटर वाले. क्लियर सोहम? तो भाई ये था अपना क्वेश्चन नंबर 46 ना, क्वेश्चन नंबर 45. चलो मूविंग टू नेक्स्ट, 45 समझ में आ गया, 46 में भी डाउट है. 46 एक वही क्वेश्चन है डायरेक्ट, मुनिया स्क्वायर वाला. उसमें वो लोग क्या पूछ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल एट अ लार्ज डिस्टेंस एक्स इज बी ए, द रेशियो बी ए बाई बी सी इज 1/8, बी ए बाई बी सी इज 1/8. सोचो बी ए बाई बी सी कितना आएगा, बी ये एक्सिस पे कितना होता है भाई, बी एक्सिस का फॉर्मूला था मुनी अपॉन 2R, मुनी अपॉन 2R. ओके, बी ये एक्सिस है, और क्या दिया है, एक दिया है एक्सिस और एक है सी, सी मतलब क्या, अच्छा लार्ज, नहीं नहीं सेंटर पे सी है, सेंटर पे सी है, मतलब इसको बी सी लिख दिया है, सेंटर पे सी, एक्सिस पे ए. एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर
द होल पावर 3/2 ऐसा रख सकते हैं। देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके डायरेक्ट फॉर्मले आपको बाय आउट होंगे तो भी अच्छी बात है। मुनी मुनी कट के ये आर क्यूब आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to be cut ना, 2 to be cut, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर क्यूब और ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल पावर 3/2। इसी का उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है कि सेंटर सेंटर पे और एक्सिस पे बी ए बाई बी सी इज 1/8, बी ए बाई बी सी, मैंने बी सी बाई बी ए किया है तो मतलब 8 करेक्ट ना, 8 दिया हुआ है आपको। अब क्या कर लो, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, क्यूब रूट ले ले पहले कि क्या करे, हाँ क्यूब रूट ले लेते हैं ना, क्यूब रूट ले लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर है ना अपॉन आर इज इक्वल टू 2/1। ओके हाँ, फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये रूट में है ना एग्जैक्टली में, इज इक्वल टू 2r, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर 3r स्क्वायर, तो व्हाट इज एक्स रूट 3r, तो रूट 3r डिस्टेंस पे वो होगा सेंटर से, उन्होंने वही पूछा है कौन से डिस्टेंस पे होगा। कुछ समझ में आया, देखो ये फॉर्मूला आएगा तो आप कर सकते हो, फॉर्मूला हमको सेंटर पे मालूम होना चाहिए एक्सिस पे मालूम होना चाहिए, उन्होंने उसी का रेशियो बोला है कि कितना है, तो सेंटर टू एक्सिस, उन्होंने एक्सिस टू सेंटर दिया है 1/8, तो सेंटर टू एक्सिस क्या होगा 8/1। ओके ये सब सब कैंसिल आउट हो जाता है तो अपने को मिल जाता है दिस, सो हम समझा पक्का। हाँ फिर ये इसका वो नंबर आपको वैसा देंगे जिसमें आप क्यूब रूट ले लोगे तो इजिली आ जाएगा, क्यूब रूट ले लिया ये 3 कट हो गया, ये स्क्वायर रूट ऐसा करके फिर आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, चलो 47, 48, 49, 50, इसमें कुछ डाउट है? 48 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ठीक लगा 48 वाला क्वेश्चन, वो इजी है। 47 आ गया सबको एवरीवन, देखो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्वेश्चन पूछा है 47 में, सेल्फ इंडक्टेंस पे आई गेस हर एक पेपर में क्वेश्चन आ ही रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस वो भी किसका, मेनली वो लोग पूछते हैं सोलेनॉइड का पूछते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हमको आना चाहिए म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, या तो ऐसा बाय हर्ट कर लो है ना, या तो उसको एरिया लेंथ के टर्म से बाय हर्ट करो आपकी मर्जी, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर वी में, मगर ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है। ओके हाँ तो ऐसा आ जाता है अपना 47, 48 आ गया सबको एवरीवन, 48, 49, 50, 48। अच्छा 48 में देखो क्या बोला है, 48 में इन्होंने बोला है अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। ये रेजोनेंस पे क्या होता है भाई, रेजोनेंस पे क्या एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही होता है ना, रेजिस्ट सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, पावर फैक्टर कितना हो जाता है 1 है ना, हाँ तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही होगा, वीएल इज इक्वल टू वीसी होगा। ये उन्होंने वीएल पूछा है, व्हाट इज वीएल, आई इनटू एक्सएल, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा इनटू एल है ना एवरीवन, ओमेगा इनटू एल। अब उनको ओमेगा नहीं चाहिए, मीन सोचो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/√LC, तो 1/√LC यहां पे रख दो और फिर इसको सॉल्व करो, तो ये I√L/C आ जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, अच्छा है मगर ये थोड़ा सा गाली ट्विस्ट किया है बस। इज दिस क्लियर एवरीवन, क्या किया, अरे बोलो भाई समझा, एक्सएल इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, तो आई इंटू एक्सएल, एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्स सी इज 1/ωc, और ओमेगा नहीं चाहिए तो ओमेगा के लिए अपन ये यूज कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC है ना, या तो सिर्फ ओमेगा चाहिए तो 1/√LC यूज कर सकते हैं। क्लियर दिशा, अंडरस्टूड, ठीक है तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। चलो फिर और भी है क्या, 49, 50, ये तो डायरेक्ट है, ये 49 का डायरेक्ट है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अगर -3 ऑप्शन में होता तो क्या मार्क करते, अगर एक ऑप्शन होता -3 एक होता +3 तो क्या मार्क करते 49 में, अगर एक ऑप्शन -3 वोल्ट होता एक +3 वोल्ट होता तो हम लोग क्या मार्क करते, प्लस मार्क करते कि माइनस, अरे बोलो यार
माइनस माइनस मार्क करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव 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 कितने क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें वो लोग प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फोर दे देगा अगर माइनस गिवन होता तो हम माइनस को प्रेफरेंस देंगे पहला अगर माइनस नहीं दिया है ना जैसे यहाँ पे देखो फोर टू थ्री सिक्स दे दिया है तो मतलब वो नहीं दिया है साइन तो अपन मैग्नीट्यूड देखेंगे अदरवाइज माइनस होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको माइनस को फर्स्ट प्रेफरेंस नेगेटिव को देने का भाई फर्स्ट प्रेफरेंस नेगेटिव को देना है नेगेटिव को देना है ओके 49 50 वाला क्वेश्चन अगेन आउट ऑफ फेज मालूम है ना कॉमन एमिटर में पता नहीं इस बार बोर्ड वाला भी लगता है पागल हो गया था तुम लोगों को कॉमन बेस पूछ लिया था कॉमन बेस पूछ लिया जबकि कॉमन बेस दिया ही नहीं है जीटीबी में पता नहीं कहां से पूछ लिया था कॉमन बेस वो तो अलग बात है कि साथ में ऑप्शन में था बट कॉमन बेस का पूछा था प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था उधर भी कॉमन एमिटर लिख के आना चाहिए तुम्हें कॉमन बेस यही नहीं बुक में ही नहीं दिया है महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में ओके हाँ तो कॉमन एमिटर सिलेबस में भी कॉमन एमिटर है पूरा इंजीनियरिंग में आगे जाओगे तो भी कॉमन एमिटर स्टडी करते हैं क्योंकि कॉमन एमिटर में ही ट्रांजिस्टर चमत्कार दिखाता है तो कॉमन एमिटर में इनपुट आउटपुट में कितने का डिफरेंस आता है भाई देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री दैट इज पाई रेडियन कॉमन बेस में कॉमन कलेक्टर में फेज डिफरेंस नहीं आता है जीरो आता है इन्होंने पूछा है क्या कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं तो आउट ऑफ फेज मतलब पाई रेडियन या तो 180 डिग्री का डिफरेंस आएगा है ना एवरीवन 50 चलो ये था अपना पहला वाला पेपर है ना जो कि बहुत टफ नहीं था सिंपल था अच्छा सा क्वेश्चन पेपर था मूविंग टू ये तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करें बोलो अब ये तो बोलो ये भी नहीं बोलोगे चलेगा मतलब क्या कंटिन्यू करें कंटिन्यू पक्का ना एवरीवन आराम हाँ चलेगा सर ओके चलो भाई सेकंड वाला भी आ जाते हैं 22nd पे 27th पे 27th पेपर में ये थोड़े करेक्शन है ये तीन में कौन कौन सा 4, 32 और 45 में करेक्शन है मैं बोल देता हूँ क्या है और हॉट्स ये 5 क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक लगे इसमें 8, 34, 37, 42, 48 8, 34, 37, 42, 48 हो सकता है इसमें से कोई आपको फर्स्ट ट्रायल में आ भी सकता है तुरंत मैंने देखा तो मुझे फर्स्ट शॉट में नहीं आया मुझे थोड़ा टाइम लगा थोड़ा 8, 34, 37, 42, 48 ओके करेक्शन क्या क्या वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेक्शन है ये रो वन है ना खाली यहाँ पे छोटा सा करेक्शन ये रो वन है भाई यहाँ पे रो वन तो इसको पुट कर दो रो वन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट लाइन डेंसिटी रो वन 4 फिर क्वेश्चन नंबर 32 साइड से क्वेश्चन ही कट करना है क्या 32 हाँ 32 में भाई ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है 32 क्वेश्चन इनकम्प्लीट 32 को कट कर दो 32 आफ्टर 32 नेक्स्ट अपना 45 इसमें क्या मिसिंग है भाई 45 में हाँ ये 45 में ये भी क्वेश्चन शायद अभी आया था इसके पहले वाले पेपर हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन मगर उन्होंने कुछ अलग पूछा था क्या वहाँ पे 5 माइक्रोफ़ारड था यहाँ पे 1 माइक्रोफ़ारड अच्छा हाँ अच्छा कैपेसिटर का वैल्यू चेंज किया है हाँ तो देखो यहाँ पे करेक्शन क्या है कि इन्होंने रूट टू बाद में दे दिया है रूट टू पहले आएगा तो 200 √2 sin 100t ऐसा है साइन ओमेगा टी ओमेगा का वैल्यू 100 है क्लियर एवरीवन हाँ तो ऐसा है क्लियर तो ये थोड़े से करेक्शन और ये अपने अच्छे से क्वेश्चन इसमें ये 5 अपने हॉट्स वाले अच्छे क्वेश्चन ओके चलो मूविंग टू 1 to 5 पे आ जाते हैं 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में थर्ड फोर्थ ठीक है थर्ड फोर्थ दोनों अच्छा क्वेश्चन है थर्ड वाले देखो क्या बोला है थर्ड वाले में बोला है हमको इन एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट इज टू बी कनेक्टेड इन अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ 50 वोल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर देखो जब भी एलसीआर का आ जाए ना सबसे इजी मेथड हमको बताया गया था फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे इजी मेथड एलसीआर में फेजर डायग्राम से आप उससे इजी कुछ नहीं होता है अगर कुछ जजमेंट करना हो तो हमको एलसीआर में क्या बोला है एलसीआर
ओके आपको उन्होंने वोल्टेज दे दिया है, कितना कितना दिया है, इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, बोलो एक बार जल्दी यार, इंडक्टर के अक्रॉस कितना है, 90 वोल्ट, 90 ना, कैपेसिटर के अक्रॉस 60 वोल्ट, और रेजिस्टर के अक्रॉस पूछा है वही ना। अरे बोलो यार एक मिनट, 26 को हटा दो, 27 रेजिस्टर, हाँ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर हमको फाइंड करना है। ओके और सोर्स का वोल्टेज दिया हुआ है, सोर्स का वोल्टेज कितना है, सोर्स का वोल्टेज बोल दिया 50 वोल्ट है ना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ये 50 वोल्ट है। हाँ अब ये आपको मालूम है कि इंडक्टर में ये जब भी सीरीज होता है तो फेजर डायग्राम बनाने का मेथड क्या है, हम करंट से चालू करते हैं कि करंट भाई सेम है सबके अक्रॉस, तो करंट सेम है, फिर जो ER होगा मतलब E लिखो या तो V लिखो, समझो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस रजिस्टर वो यहाँ पे होगा। इंडक्टर में क्या होता है भाई, इंडक्टर में EMF लीड करता है तो इंडक्टर का EMF 90 डिग्री आगे होगा, कैपेसिटर में EMF 90 डिग्री पीछे होगा, तो ये VC है, VC कितना है 60, VL कितना है 90, तो मुझे बताओ ये कितना मिल जाएगा, दिस विल बी VL माइनस VC, तो VL माइनस VC हो गया अपना 30 वोल्ट, VL माइनस VC इज 30 वोल्ट। अब देखो भाई अब तो 30 40 50 वही तो है ट्रायंगल का खेल है, आपको VR पूछा है और रिजल्टेंट EMF मालूम है कितना 50 50 वोल्ट, रिजल्टेंट जो आप सप्लाई कर रहे हो वो कितना है 50 वोल्ट है, तो बताओ अभी ये अपने को 50 दिया हुआ है, ये मालूम है कि ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए, अरे 3 4 5 का ट्रायंगल हर्ष, 3 4 5 का ट्रायंगल, ये 30 है ये कितना होगा 40, तभी तो ये 50 आएगा ना, है ना हर्ष करेक्ट। ये VR कितना आएगा फिर, अरे बोलो भाई VR कितना 40 वो, तो ये 30 ये 40 तो आंसर आएगा 50। इन्होंने अगर फेस इसमें इसी क्वेश्चन में पूछ लिया तो व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर वो भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है cos phi, व्हाट इज cos phi R by Z भी लिख सकते हो या तो VR by VZ भी लिख सकते हैं, VR by VZ, VR कितना है अपना 40, VZ कितना है 50, तो 40 by 50, 4 by 5, cos में कभी आता है 4 by 5, cos में 4 by 5, हाँ cos में 4 by 5 37 आता है बराबर, तो cos phi आ गया 37, मतलब पावर फैक्टर आपका 37 होगा, ये पावर फैक्टर नहीं एक मिनट 5 37 होगा ना, पावर फैक्टर 4/5 है, पावर फैक्टर कितना है 4/5 मतलब 0.8, ओके और 5 कितना आएगा, 5 आएगा अपना 37 डिग्री, मतलब इतनी डिग्री से क्या हो रहा है ईएमएफ करंट से लीड कर रहा है, तो फाइनल ईएमएफ है वो करंट से इतना लीड कर रहा है 37 डिग्री से, करेक्ट ना एवरीवन, ऐसा फेजर डायग्राम से ड्रॉ कर लेंगे ईजिली आ जाएगा। चलो ये था अपना क्वेश्चन नंबर थ्री, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है देखो, वापस ये उसी कंसेप्ट पे है, किस पे, टर्मिनल वेलोसिटी पे हमको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है एवरी पेपर, नीट जेई सीटी सबके लिए फेमस है, कभी ग्राफ पूछ लेते हैं, पिछले बार नीट में पूछा था ग्राफ पूछ लिया था, ग्राफ क्या पूछा था कि टर्मिनल वेलोसिटी का मीन्स किसी विस्कस लिक्विड में आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, सिंपल ये नीट का क्वेश्चन नीट में पूछा था ये 2022, तो टर्मिनल वेलोसिटी पे या तो ग्राफ या तो फॉर्मूला या तो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे, तो टर्मिनल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी कितना है, वॉल्यूम वी है, मटेरियल का डेंसिटी रो वन है, इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू और रो टू का वैल्यू कम है, मतलब लिक्विड का डेंसिटी कम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। अज्यूम दैट द लिक्विड अप्लाइज अ विस्कस फोर्स ऑन द बॉल एंड विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि दिया हुआ है कि इतना है, फिर उन्होंने पूछा है देन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी कितना होगा, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक ही बेसिक फंडा है क्या, कि ऑब्जेक्ट का टर्मिनल वेलोसिटी कभी आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट विल मूव विद टर्मिनल वेलोसिटी, जब भी उस पर नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी का मेन कंडीशन क्या है, बॉडी पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। ये बॉडी पे फोर्स कौन कौन से लग रहा है,
तो भाई एक तो लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स कौन सा, एमजी, एमजी। अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक तो लगेगा यहाँ पे बायंसी और एक लगेगा विस्कस फोर्स, बायंसी और विस्कस फोर्स। ओके, उन्होंने आपको वेलोसिटी पूछा है ना सर, क्या पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है उनको। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है जो किसके अंदर है, जो अपना विस्कस फोर्स के अंदर है। हाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बायंसी प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट, इज इक्वल टू वेट। ओके, देयरफॉर व्हाट इज विस्कस फोर्स, इट इज वेट माइनस बायंसी, वेट माइनस बायंसी। अब वेट को लिख सकते हैं एम जी या तो वीरो जी, दोनों लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो वेट को आप क्या लिख दोगे, वेट को अपन लिख देंगे एम जी, मगर सब कुछ वी जी के टर्म्स में, तो वी जी लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं वी रो जी, बायंसी का फॉर्मूला कुछ था वी एस रो एल जी, वी एस रो एल जी। तो सोचो यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो हम वी लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी क्या दिया है क्वेश्चन में उन्होंने, लिक्विड का डेंसिटी, देखो मैंने यहाँ सॉल्व भी किया वैसे, अब देखोगे तो लिक्विड का डेंसिटी है कितना है, लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी है मटेरियल का रो वन है, लिक्विड का रो टू है, तो लिक्विड का डेंसिटी है रो टू। तो देखो अगर वेट माइनस बायंसी, तो वी रो वन जी, वी रो टू जी, फिर वी वी जी कॉमन ले लो, और विस्कस फोर्स को क्वेश्चन में ही दिया है कि के इंटू वी टी स्क्वायर, के इंटू वी टी स्क्वायर, तो के इंटू वी टी स्क्वायर रख दिया। ओके, फिर वहां से डिवाइड बाई के कर दो, वी टी मिल जाएगा रूट ऑफ दिस। इज इज क्लियर एवरीवन? हाँ, तो ऐसे हमको आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर फाइव। अंडरस्टूड? तो थ्री और नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था अपना, थ्री और फोर। चलो फिफ्थ, फिफ्थ वाला बहुत ही सिंपल है, सिक्स टू टेन, सिक्स टू टेन, सिक्स टू टेन, कौन सा एट, सिक्स टू टेन कंटिन्यूटी में, इसलिए हर एक क्वेश्चन एट बोल रहे हैं ना, सिक्स सेवन आ गया ना, एवरी वन सिक्स सेवन, सिक्स सेवन आ गया, एट पे आ जाते हैं। हाँ, एट वाला अच्छा क्वेश्चन है यार, एट वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं अपन, एट वाला सिर्फ लास्ट में करते हैं, जस्ट वेट, और फटाफट रिमेनिंग सिंपल सिंपल उड़ा लेते हैं। हाँ, नाइन, नाइन, नाइन आ गया सबको, एवरी वन। नाइन में डायरेक्टली हमको पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो आ जाएगा। ओके, नाइन्थ, फिर क्वेश्चन नंबर टेन, नाइन टेन, इसमें डाउट नहीं है पक्का, टिल टेन। ओके, इलेवन टू फिफ्टीन, इलेवन टू फिफ्टीन, इलेवन सामने दिख रहा है, डिफ्रैक्शन में अपना कैसा होता है भाई, सबका इंटेंसिटी अलग होता है, विथ भी अलग होता है ना, ट्वेल्थ वाला ये, ट्वेल्थ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ। हाँ, फिर ये थर्टीन, थर्टीन वाला देखो भाई, ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आया है, ट्रांजिस्टर अल्फा बीटा पे बेस्ड क्वेश्चन, थर्टीन। फिर फोर्टीन भी सिंपल है, फिफ्टीन, फिफ्टीन ना, फिफ्टीन, फिफ्टीन में हमको क्या बोला है, फिफ्टीन में द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज दिस। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन दिया, एम दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर दिस, टू जनरेट अ करेंट ऑफ दिस इन सेकेंडरी, करेंट इन प्राइमरी मस्ट बी चेंज एट द रेट ऑफ। तो डी आई बाई डी टी पूछा है, ये आपको ये फॉर्मूला मालूम है, वट इज ई, ई इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, ई एस सेकेंडरी कॉइल में जो ई एम एफ होगा, इट इज एम डी आई पी बाई डी टी, एम डी आई पी बाई डी टी, है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब ई एस को क्या लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई एस इंटू आर एस लिख सकते हैं, तो आई एस इंटू आर एस इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी। अब मुझे सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट चाहिए, वो दिया हुआ है 0.4, सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान सिर्फ यही रखना है कि रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, प्राइमरी की सेकेंडरी। हाँ, तो ये ई एम एफ सेकेंडरी में है, तो रेजिस्टेंस भी वी इज इक्वल टू आई आर करेंगे, सेकेंडरी का आएगा। ओके, हाँ, तो आई एस इज इक्वल टू एम अपॉन आर एस डी आई पी बाई डी टी। अभी आपको एम सीरीज सेकेंडरी का रेजिस्टेंस और आई एस, ये तीनों मालूम, तीनों मालूम है, बस सॉल्व करो तो अपने को मिल जाएगा डी आई पी बाई डी टी, दैट इज 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर, क्लियर, क्लियर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 15। चलो फिर 16 to 20, 16 to 20, 16 वाला सामने सामने दिख रहा है, 16, 17, 17, 17 आया क्या, 17 कौन सा बोल रहा है, अंकित 18, 18 था। देखो 18 वाला क्वेश्चन क्या है, 18 वाले क्वेश्चन ने बोला है वायर ऑफ लेंथ एल
is bent to form a circular coil of n turns. N turns. Romil, तो भाई वायर का लेंथ कितना है? L. उसको किसमें कन्वर्ट किया? सर्कल. कितने टर्न्स है? एन. तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू एन इंटू टू पाई आर. एल इज इक्वल टू एन इंटू टू पाई आर, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, तो फ्रॉम हियर आप क्या निकाल लो? आप रेडियस निकाल लो. रेडियस को लिख सकते हो एल अपॉन टू पाई एन, एल अपॉन टू पाई एन, ऐसा लिख सकते. फिर उन्होंने पूछा है कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, करंट आई इज पास थ्रू द कॉइल, द मैक्सिमम टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला है बीना, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा. मैक्सिमम टॉर्क बोला है तो थीटा कितना होना चाहिए? 90, तो बीना आएगा. ओके, हाँ, तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला बीना, बी आई एन ए. बी कितना है? ए, बी को बी रखते हैं. मैं पहले बी का फॉर्मूला पुट कर रहा था, मगर बी को उन्होंने बी रखा है हर एक ऑप्शन में, तो बी को चेंज नहीं करते. तो बी को बी ही रहने दो, आई को आई रहने दो, एन, एन अपना एन है, और एरिया को क्या लिख देते हैं? एरिया को हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे, आर की जगह पे पाई आर स्क्वायर में आर की जगह पे ये पुट कर दो, एल अपॉन टू पाई एन, एल अपॉन टू पाई एन. ओके, तो बस आर की जगह पे एल अपॉन टू पाई एन पुट करो, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? क्या किया है? सिर्फ बी का वैल्यू नहीं पुट करना है. देखो मैं भी आपसे भी मिस्टेक हो सकता है यहाँ, मतलब बी का वैल्यू पहले मैं पुट करने जा रहा था मुनी बाई डुगार, फिर मैंने देखा नहीं उन्होंने बी को बी रखा हुआ है, तो हर एक ऑप्शन में बी बी ही है, तो बी को बी ही रहने दो. खाली आप एरिया में पाई आर स्क्वायर में आर का वैल्यू चेंज कर दो. तो ये क्वेश्चन नंबर 18. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 19, 20 में कुछ डाउट? 1920 में डाउट? हिंट आपके सामने ही है, जब मैं डाउट बोल रहा हूँ तो आपका काम होना चाहिए देख लो फटाफट कि अच्छा क्या है. तो इन्होंने डायरेक्ट बोला था फ्रीक्वेंसी इक्वेट करके लेंथ पूछा है, बहुत सिंपल है. 20 वाला भी बहुत ही सिंपल है. हाँ, ये दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का और वर्क फंक्शन का. 21 to 25 आ गया ये भी. 21 में ना एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, इधर मास, मास को ऐसा लिखना पड़ेगा. मास को क्या लिखेंगे? उन्होंने बोला टू सर्कुलर लूप्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ सेम वायर, सेम वायर मतलब मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा वायर का. तो ए के लिए कितना लेंथ होगा? उन्होंने बोला है कि एक का रेडियस का रेशियो दिया है, तो सोचो एक के लिए मास कितना होगा. मैंने लैम्डा कंसीडर कर लिया, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, तो पहले वाले का मास होगा लैम्डा इंटू टू पाई आर ए, दूसरे वाले का होगा लैम्डा इंटू टू पाई आर बी. तो मास को डिवाइड करेंगे, लैम्डा टू पाई सब कट होगा, तो मास रेडियस में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा. तो मास की जगह पे पुट कर सकते हैं आर ए बाई आर बी, और ये भी आर ए बाई आर बी है तो क्यूब आ जाएगा. ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है. 21 वाला को भी आप चाहिए थोड़ा स्टार कर सकते हो, वैसे आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मगर 21 में वॉल्यूम इक्वल करके क्यों नहीं कर सकते, मतलब भाई दोनों केस में ऐसा नहीं बोला है. आपको ये नहीं बोला है कि एक वायर है इससे आपने ये बनाया और इसी वायर से ये बनाया है ना, मतलब एक ही वायर से आपने नहीं किया ऐसा कुछ, एक ही वायर से नहीं किया है. वो बोला है कि मटेरियल सेम है, जैसे कॉपर का वायर है वो उसका थिकनेस सेम है, मटेरियल सेम है. ओके, तो सेम मटेरियल है, खाली बोला है सेम मटेरियल और क्रॉस सेक्शन सेम है. आरिवेटिंग दोनों में फर्क है ना, दोनों वर्ड में. ऐसा नहीं कि जैसे जैसे इतना वायर है, इसी वायर से मैं कॉइल बनाता हूँ, इसी से दूसरा कॉइल बना रहा हूँ, उसका रेडियस अलग अलग होगा, मगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला है. आप बोला है कि कॉपर का वायर है, एक ही जैसा वायर दिखता है, उसी से आपने एक कॉइल बनाया, दूसरा कॉइल बनाया. ओके, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर मेड ऑफ द सेम वायर एंड देयर रेडियस इन द रेशियो दिस. सेम वायर, सेम वायर मतलब हम लोग लेंथ भी सेम ले सकते हैं क्या? लेंथ भी सेम ले सकते हैं, पर लेंथ अगर सेम लोगे तो भी वापस वही आ जाएगा ना. हाँ, सेम ही रिलेशन मिलेगा फिर आपको. अगर लेंथ सेम ले लिया तो पहले वाले केस का क्या होगा? पहले वाले के लिए एल इज इक्वल टू टू पाई आर ए, सेकेंड वाले का हो जाएगा एल इज इक्वल टू टू पाई आर टू, तो इससे क्या होगा? आर वन बाई आर टू वन आ जाएगा फिर, है ना. नहीं, मगर सेम लेंथ का दो अलग अलग रेडियस कैसे बना पाएंगे फिर हम लोग? सेम लेंथ का वायर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करना पड़ेगा, तो अलग अलग रेडियस आ सकता है ना.
आर यू गेटिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ एक ही है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एक ही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो वायर आइडेंटिकल है, मगर वायर का लेंथ दोनों केस में सेम नहीं होगा, लेंथ अलग अलग होगा. आर यू गेटिंग एवरी वन? क्वेश्चन नंबर 21. अरे बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो. ये समझ में आ रहा है कि क्यों रॉन्ग हो रहा है ये वाला? अगर एल हम लोग लेंगे, सोचो ना इसका मतलब ही क्या निकल गया, कि एक वायर है उससे आप एक कॉइल बनाओगे, दूसरा कॉइल बनाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम वायर से अगर हमने कॉइल बनाया है, सेम वायर से अगर कॉइल बनाओगे दोनों कॉइल, तो ये दोनों का रेडियस सेम ही होगा ना. तो रेडियस सेम होगा तो रेडियस का रेशियो 1:1 आना चाहिए. तो वो आइडेंटिकल वायर्स है मगर दोनों का लेंथ सेम नहीं है, क्योंकि उनको रेडियस का रेशियो 1:1 नहीं मिल रहा है. ओके, 1/n मिल रहा है कुछ. तो आइडेंटिकल है मगर दोनों का लेंथ सेम नहीं है. 21 क्लियर करण? हाँ सर. 22, 23, 24, till 25, 21 to 25, no doubt, 21 to 25, simple, simple, 24 भी simple है, 25 भी direct NAND gate, मतलब वो solve करेंगे तो आ जाएगा उसके. 26 एक अच्छा अच्छा question, इसको मैंने important नहीं किया क्या? मुझे directly first time में आ गया होगा इसलिए. 26 is nice question. 26, क्या सोचा आपने बताओ? 26 में बोला है आइडियल गैस हैविंग प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, अंडरगोस अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वर्क डन डीडब्ल्यू जीरो है. डीडब्ल्यू जीरो मतलब क्या कांस्टेंट? चेंज इन वर्क डन बोला, या तो वर्क डन तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस तो है. और बोला है कि डीक्यू लेस देन जीरो है. डीक्यू लेस देन जीरो का मतलब क्या? डीक्यू नेगेटिव है. डीक्यू क्या है? नेगेटिव है. तो क्या होगा ये क्वेश्चन मुझे कोई बता ना भाई, मुझे समझ में आया कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं है. DQ नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो वर्क डन जीरो है, DQ नेगेटिव है, सिंस इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस. हाँ कोई क्या बोल रहा है? यस बोलो. नहीं मतलब हीट कम होगा तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा. हीट कम होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि वर्क तो हो ही नहीं रहा है ना. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हीट सप्लाइड इज नथिंग बट क्या? इज इक्वल टू डेल्टा यू. और उन्होंने बोला है कि ये नेगेटिव है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है. तो हीट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इन द सेंस डेल्टा यू भी डिक्रीज होगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, मतलब यू डिक्रीज होगा. यू डिक्रीज होगा मींस बेसिकली क्या डिक्रीज होगा? टेम्परेचर. और आइडियल गैसेस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. अच्छा क्वेश्चन है ये. ओके तो 26 का 3. चलो फिर नेक्स्ट टिल 30. Till 30, 27. अच्छा 27. देखो 27 वाला टाइप का क्वेश्चन जैसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा था सोलेनोइड का, वैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा म्यूचुअल इंडक्शन पूछ लिया. क्या बोला है? टोरॉइड इज अ लॉन्ग वायर. इसमें R1 R2 में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है क्या है. टोरॉइड इज अ लॉन्ग वायर, ओके, वाउंड अराउंड अ सर्कुलर कोर. मेजर रेडियस एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ टोरॉइड इज दिस. मतलब ऐसा बोल रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है. The coefficient of self-inductance of the toroid is, पूछा है, M पूछा है. तो कैसे find करेंगे M? देखो ऐसे question में directly आप find कर लो, phi find करो, phi. Phi is equal to क्या होता है? What is phi? Bank cos theta. Bank cos theta, तो bank cos theta में BAN. ए बट A किसका लेंगे? एकदम ध्यान से देखो, radius में confuse हो सकता है भाई. Area, area. जब हम area की बात कर रहे हैं तो हम लोग टोरॉइड की बात कर रहे हैं ना, तो एरिया किसका होगा? टोरॉइड का होगा. टोरॉइड, एरिया ऑफ टोरॉइड. जब भी बी फाइंड करते हैं, बी, बी का फॉर्मूला मालूम मैंने भाई, ये बी का फॉर्मूला क्या है सोलेनोइड के लिए? बी फोर सोलेनोइड बोलो फॉर्मूला क्या है? टोरॉइड. एक अच्छा बच्चा होगा, ध्यान में क्या रखेगा? आपने बायड किया होगा, अच्छी बात है. दोनों के लिए बी का फॉर्मूला क्या है? मुनी. दोनों के लिए बी का फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे एन क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यहाँ पे एन क्या होता है? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, बट लेंथ को 2πr ले लेते हैं. 2πr, वेयर आर इज द मीन रेडियस. मीन रेडियस जो कि यहाँ क्वेश्चन में देखे तो उसको उन्होंने कैपिटल आर बोला है, तो इसके लिए मुझे कैपिटल आर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन.
ओके हाँ तो बी विल बी म्यू नॉट एन आई, देखो ना वही फॉर्मूला है अपना, म्यू नॉट एन आई और एक एन एक्स्ट्रा भी है बैंड वाला एन, तो वो यहां रख देंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा, पाई पाई कट। ओके कैपिटल आर स्मॉल आर में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, फ्लक्स जिसके अंदर से चाहिए उसका एरिया, तो इसके लिए देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर है, मगर जब ये हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो वो टाइम पे हम लोग ये कंसिडर करते हैं ना, मीन रेडियस कंसिडर करते हैं, तो ये कैपिटल आर आएगा इधर एन अपॉन टू पाई आर, अंडरस्टूड। और बाद में इसी फ्लक्स को क्या कर देंगे हम लोग, फ्लक्स को एल आई या तो एम आई, म्यूचुअल इंडक्शन पूछा था क्या, नहीं सेल्फ इंडक्शन ही पूछा था, हाँ एक ही कॉइल तो है दूसरा तो है भी नहीं, तो सेल्फ इंडक्शन मतलब फाइव इज इक्वल टू एल आई रख सकते हैं, फाइव इज इक्वल टू एल आई रख दिया, आई आई कट हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म जो भी आपका बचेगा वही आपका एल है, वही सेल्फ इंडक्टेंस है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू कैपिटल आर। ओके एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन है, 27 इज अ नाइस प्रॉब्लम, इसको भी स्टार कर सकते हो। 27 सर 34 पे आने से पहले ये पक्का इसमें किसी को नहीं है, उसके पहले 28 29 30 ये सब क्लियर है क्या, 28 बोलते जाओ, 28 क्लियर, 29 क्लियर, पक्का 30 भी क्लियर, 30 31 33 मैंने कट करा दिया है, कौन सा 33 की 34 33 और 34, अच्छा 33 रोमिल इसमें क्या बोला है, चार्ज दिया है मास दिया है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या, अगर भाई फोर्स इज इक्वल टू मा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू ई लिख सकते हो, हाँ तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, क्यू ई बाई एम, क्यू दे दिया है 3, तो 3 इंटू ई अपॉन मास दे दिया है 2m, है ना, तो 33 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 34 देखो एवरीवन, 34 अच्छा क्वेश्चन है सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है अ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड टू वन एंड ऑफ स्प्रिंग एंड इट इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ओके विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द एलोंगेशन इन द वायर इज 1 सेंटीमीटर, इफ द एंगुलर स्पीड इज डबल्ड द एलोंगेशन विल बी 5 सेंटीमीटर, तो हमको ओरिजिनल लेंथ पूछा है। ए भाई इसमें एक बात ध्यान से समझना है खाली, कि जब भी आप स्प्रिंग का फॉर्मूला लिखते हो ना एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स में एक्स क्या होता है, टोटल लेंथ होता है कि इलॉन्गेशन होता है, इलॉन्गेशन, हाँ एफ इज इक्वल टू के एक्स में एक्स इज अ इलॉन्गेशन, वेयर एज इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में जो टोटल लेंथ हम लोग लिखते हैं, मीन्स अगर एक रॉड है वो भले ही थोड़ा सा इलॉन्गेट हो गया बट अगर वो घूम रहा है तो उसका पूरा रेडियस होगा ना, पूरा रेडियस, पूरा जो लेंथ ऑफ वायर होगा वो क्या होगा, उसका रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस, आर यू गेटिंग एवरीवन, तो पहले केस में, पहले केस में एम आर आर, सपोज अगर ओरिजिनल लेंथ एल है, इलॉन्गेशन कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, तो बोल सकते हैं एल प्लस 1 ये पूरा बन जाएगा रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 1, क्या ये पहला इक्वेशन समझा एवरीवन, पक्का। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में इलॉन्गेशन कितना हो गया, 1 का 5 हो गया, तो ये एल प्लस 5 हो जाएगा, और ओमेगा भी डबल कर दिया है 2 ओमेगा हो गया, का स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 5, स्प्रिंग का जो फॉर्मूला यूज करेंगे के इंटू एक्स, एक्स में हम लोग क्या रखेंगे, एक्स इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन, मगर सेंट्रीपिटल फोर्स में रेडियस चाहिए, तो वहां पे एल प्लस इलॉन्गेशन, एल प्लस इलॉन्गेशन रखेंगे, बस दोनों को डिवाइड कर दो, के एम एम ओमेगा ओमेगा सब कट हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपको एल मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड एवरीवन, ऐसा दो इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए, क्लियर अंकित, यस सर, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 34, चलो मूविंग टू 35, 35 डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको ये बाय हेड रख लेना चाहिए 35 वाला, ओके देन 36 टू 40 37, हाँ 37 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मगर अच्छा क्वेश्चन है एकदम, ये 37 में देखो क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज -3q इज मूविंग अराउंड अ वेरी हैवी पार्टिकल हैविंग मास चार्ज q, ओके चार्ज q है इधर मूव हो रहा है ये, ओके बोर्स मॉडल अप्लाइड है, हमको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ मास m, तो इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा v पूछा है,
जब भी बोर्ड्स के पोस्टुलेट से हम वी डिराइव करते हैं तो वी का फॉर्मूला क्या आता है? तुम्हें वी का फॉर्मूला मालूम है क्या? दो तीन फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए मगर वहाँ वो टॉपिक से। तो एक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज रेडियस? हेन स्क्वायर अपॉन पाई मी स्क्वायर, ये रेडियस होता है। वी क्या होता है भाई? जेड के टर्म्स में भी आपने बाय हार्ट किया होगा शायद। वी होता है अपना क्या? ई स्क्वायर बाई टू हेन, करेक्ट ना? ई स्क्वायर बाई टू हेन। बट अगर आपको मालूम हो इसमें जो ई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में जितना चार्ज यहाँ पे उतना यहाँ पे, तो इसके लिए मल्टीप्लाई होके ई स्क्वायर आ जाता है। मगर ये वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो उन्होंने यहाँ पे चार्ज कितना दिया है? क्यू। और यहाँ पे कितना चार्ज दिया है? एक क्यू है और एक थ्री क्यू है। एक क्यू है, एक थ्री क्यू है, ओके। और बोला है वॉट इज द नियरेस्ट टू द हैवी पार्टिकल, नियरेस्ट टू द हैवी पार्टिकल, नियरेस्ट टू द हैवी पार्टिकल मतलब जब भी वो नियरेस्ट होगा इन द सेंस कौन से ऑर्बिट में होगा, ऑर्बिट नंबर क्या रखेंगे हम लोग? यस निनाद, नियरेस्ट बोला है मतलब कौन से ऑर्बिट में होगा? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट? अरे फर्स्ट ऑर्बिट लेंगे ना यार, न्यूक्लियस के नजदीक कब होगा? जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। तो एन को क्या करने का? देखो सिंपली देखो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला भी थोड़ा कंफ्यूज किया है खाली। फॉर्मूला जो अपना था v इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई टू हेन वही यूज करना है, खाली उसमें एक चार्ज किसका? न्यूक्लियस का, है ना, जो कि q दिया हुआ है। एक चार्ज किसका जो रिवॉल्व हो रहा है? माइनस थ्री क्यू अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट एन। एन को हम क्या ले लेंगे? वन ले लेंगे क्योंकि उसने नियरेस्ट बोला है, नियरेस्ट बोला है तो एन को वन अज्यूम कर लेना है। एन को वन अज्यूम कर लिया तो आ गया अपना आंसर। तो यही आंसर है, थ्री क्यू स्क्वायर अपॉन टू एच एप्सिलॉन नॉट। ओके एवरीवन, तो बोर्ड्स का मॉडल अप्लीकेबल है, मीन्स आप ये सब अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सब करोगे बाद में वेलोसिटी निकालोगे सॉल्व करके, सिंपली हमको ये वी का फॉर्मूला मिलता है जो कि आपको बाय हर्ट होना चाहिए, ई स्क्वायर बाई टू हेन। बट उसमें ई स्क्वायर क्यों आता है? क्योंकि एक चार्ज न्यूक्लियस का होता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह पे कौन है? क्यू है। इलेक्ट्रॉन की जगह पे कौन है? माइनस थ्री क्यू है। तो क्यू इन टू थ्री क्यू, है ना। और नियरेस्ट बोला है मतलब एन क्या ले लेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्बिट। तो एन को वन पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 37, क्लियर माही? 37, चलो टिल 40 ये, फिर 38 सिंपल हो, थिन प्रिज्म का डेविएशन। 39 आया, आया ना डायरेक्ट है ये। उन्होंने बोला है कितना होगा? तो टू थर्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो टू थर्ड कट करेंगे पी आ जाता है फिर डायरेक्ट। ओके हाँ, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सीईटी में है क्या? फ्रेशनेल, हाँ फ्रॉनहोफर ही है सीईटी में ना, तो फ्रेशनेल नहीं है क्या? देख भाई सुन, अच्छे अच्छे महान महान साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। मतलब जहाँ पे इंटरफेरेंस होता है वहाँ डिफ्रैक्शन भी है, जहाँ पे डिफ्रैक्शन है वहाँ इंटरफेरेंस है। बट हम लोग सिलेबस में एट अ टाइम एक चीज को स्टडी करते हैं। तो जैसे YDSC था, YDSC जो हमने स्टडी किया, YDSC में डिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? अरे YDSC में भी डिफ्रैक्शन है भाई। अब YDSC में अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो यहाँ से लाइट स्ट्रेट जाता है, यहाँ से स्ट्रेट जाता है, तो क्या दोनों इंटरफेयर होते क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे भी लाइट क्या हो रहा है? यहाँ पे भी लाइट ऐसा स्प्रेड तो हो रहा है ना, बेंड हो रहा है ना। तो ये जो ऐसा हो रहा है, बेंड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, YDSC में भी डिफ्रैक्शन होता है। कौन सा वाला? फ्रेशनल। जहाँ पे डिस्टेंस फाइनाइट होगा उसको फ्रेशनल बोलते हैं, है ना। तो फ्रेशनल डिफ्रैक्शन ऑलरेडी YDSC के अंदर इंक्लूडेड है समझो, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हमको जो पूछेंगे वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इज दिस क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, 40 वाला भी क्लियर है भाई। 40 तो आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 40 वाला। 42 अगेन वही मैग्नेटिज्म वाला। तुम्हारा मैग्नेटिज्म जा रहा है उसमें 10 फॉर्मूले है, 5-10 फॉर्मूले करीबन है, बाय हर्ट कर लो। मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल वाले फॉर्मूले थोड़े से बाय हर्ट कर लो, उस पर क्वेश्चन आएगा। ओके जैसे इन्होंने क्या बोला यहाँ 42 में, अ सोलेनॉइड हैविंग 500 टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दे दिया है, एज अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमियाबिलिटी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमियाबिलिटी एंड चाय ससेप्टिबिलिटी? रिलेटिव परमियाबिलिटी, देखो
रिलेटिव परमियबिलिटी का स्पेलिंग बड़ा है कि ससेप्टिबिलिटी का बड़ा है? वैसे दोनों ही बड़े हैं मगर फिर भी रिलेटिव परमियबिलिटी ज्यादा बड़ा है। तो रिलेटिव परमियबिलिटी समझने का ससेप्टिबिलिटी प्लस वन है, तो ससेप्टिबिलिटी प्लस वन करेंगे तो क्या मिलता है? रिलेटिव परमियबिलिटी। तो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? रिलेटिव परमियबिलिटी माइनस वन है ना। तो रिलेटिव परमियबिलिटी उन्होंने दिया है यहाँ पे 500। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल इफ अ करेंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पास थ्रू इट इज नियरली। मैग्नेटाइजेशन पूछा है, मैग्नेटाइजेशन के लिए हम लोग एक फॉर्मुला यूज करते हैं ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। ये सब थोड़े बहुत फॉर्मुले हैं तुम्हें बाय हार्ट करने पड़ेंगे मैग्नेटिज्म मटेरियल में। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? चाई इंटू एच। ये बट एच क्या होता है? एच इज इक्वल टू एन आई होता है एक फॉर्मूला। एच इज इक्वल टू एन आई वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो यहाँ दे दिया इन्होंने 500 इंटू आई कितना है? 1। तो एच इज इक्वल टू एन आई करेंगे तो हमको मिल गया एच। और हमको ये चाय मालूम है, चाय कितना है भाई? 500 माइनस वन। वैसे क्वेश्चन में उन्होंने नियरली पूछा है, मतलब आप 500 माइनस 1 को 500 ही ले लो चलेगा। तो 500 इंटू 500 तो कितना आ गया? 25 इंटू 10 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर 5। फॉर्मूला बेस्ड है, मैग्नेटिज्म वाले जो भी होंगे फॉर्मूला बेस्ड, चार पांच फॉर्मूले जो भी है उसको थोड़ा घुमाने आपको आना चाहिए। चाय का ये तो फॉर्मूला है बेसिकली में। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? इट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। तो एम इज इक्वल टू चाई इंटू एच होता है। क्वेश्चन नंबर 42 मटेरियल वाला टॉपिक बहुत ही सिंपल है, उसके कुछ भी रॉन्ग नहीं जाने चाहिए यार। फॉर्मूले 2-4-10 देख लो बस, करेक्ट आना चाहिए। डन 42 एवरीवन। 43 ये सिंपल है डायरेक्ट है ना, 43 आता है ना डायरेक्ट ना। 43 44 46 45 तो ऑलरेडी हमने कौन सा 48 अच्छा 46 भी आ गया भाई, ये मालूम है 46 मालूम है। 47 भी आ गया, 47 आ गया भाई एवरीवन। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, आया तुम्हें पोटेंशियोमीटर? आया क्या? K into L है ना, K into L करके डायरेक्ट आ जाएगा 47। 48 पे आ जाते हैं, 48 थोड़ा सा कंफ्यूज किया इसने, 48 नाइस प्रॉब्लम। 48 पे आने से पहले एक मिनट, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं 49 50 क्लियर है क्या भाई? 49 आ गया क्या? 49 एवरीवन। ये सेम उन्होंने क्या पूछा है? डी थीटा बाई किस में रिलेशन पूछा है? एक्स में। एक्स क्या दिया है? अच्छा ये थर्मल कंडक्टिविटी है और अच्छा ग्रेडियंट। हाँ डी थीटा बाई लेंथ को उन्होंने एक्स बोल दिया है, तो उस पर रिलेशन पूछा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी से इनवर्स रिलेशन आता है ना। फिर 50 भी आ गया सबको। सीरीज लिमिट मतलब क्या होता है? व्हाट इज सीरीज लिमिट? लिमिटिंग लाइन इन द सेंस वो लास्ट से आएगा, लास्ट से। बाल्मर बोला तो फिर फर्स्ट पे आएगा, नहीं सॉरी लाइमन बोला तो फर्स्ट पे आएगा, बाल्मर बोला तो सेकंड पे आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन वो लोग आपको बाल्मर पे पूछेंगे, जैसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा है उन्होंने? बाल्मर का पूछा है। क्यों? क्योंकि बाल्मर वाला अपने विजिबल लाइट में होता है, विजिबल लाइट में होता है, अपने को दिखाई देता है। ओके चलो 48 देख लेते हैं, और एक ऊपर क्वेश्चन रह गया वो देख लेते हैं। ये 48 में क्या बोला है क्वेश्चन में? A closed organ pipe of length L1 and open organ pipe of length L2. तो दो पाइप है, एक क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है। एक क्लोज पाइप का मतलब क्या होता है? क्लोज एट बोथ एंड की वन एंड? अरे क्लोज पाइप का मतलब क्या होता है भाई? क्लोज एट वन एंड, दोनों एंड क्लोज हो गया तो बचेगा क्या फिर? तो क्लोज पाइप का लेंथ क्या है? क्लोज पाइप का लेंथ है L1, इसका लेंथ L1 है, ओपन का लेंथ कितना है? L2। ओके तो क्लोज्ड का लेंथ दे दिया। कंटेंट डायटोमिक गैस ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2, मतलब दोनों के अंदर गैस कुछ अलग अलग है, ρ1 इसमें डेंसिटी है ρ2। फिर द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस आर सेम। कॉम्प्रेसिबिलिटी यहाँ पे क्यों बोला? वो आपको न्यूटन के फॉर्मूले को रिलेट करने के लिए बोला इसने, लैपलास करेक्शन के लिए। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्यों सेम बोला इस पे आते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है विच आर वाइब्रेटिंग द फर्स्ट ओवरटोन, पाइप्स विच आर वाइब्रेटिंग द फर्स्ट ओवरटोन विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इसका और इसका इक्वल है। ये फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप मतलब कौन सा हार्मोनिक?
ओपन पाइप और स्ट्रिंग की कहानी एक जैसी है ना? फर्स्ट ओवरटोन बोला मतलब सेकंड हार्मोनिक, तो टू टाइम्स, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वी बाई टू एल, वी बाई टू एल। क्लोज्ड का फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक है ना। क्लोज में क्या करते हैं, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन। तो फर्स्ट वाला मतलब वन इंटू टू प्लस वन, तो थर्ड हार्मोनिक। तो थ्री इंटू वी बाई फोर एल वन। मगर सुनो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन में, देखो उन्होंने दोनों पाइप के अंदर गैस अलग रखा है, मतलब दोनों गैस का स्पीड सेम नहीं होगा। तो इसके लिए आप स्पीड को क्या करो, इसको वी वन इसको वी टू पुट करो। आर यू गेटिंग? दोनों पाइप के अंदर गैस अलग अलग है, अंदर में गैस, अंदर में मीडियम अलग है, तो मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड भी चेंज होगा, तो स्पीड चेंज हो गया तो वी वन वी टू रखना पड़ेगा। और बोला है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर दिया। अब क्या, अब कट कर दो, ये अपना टू टू कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन निकाल लेते हैं, चाहिए तो कितना आ गया, वी टू बाई वी वन इज थ्री बाई फोर ना, थ्री फाई फोर एल टू बाई एल वन, थ्री बाई फोर एल टू बाई एल वन, ऐसा कुछ मिल गया। हमको किसका रेशियो चाहिए वैसे, तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप को क्या लिख सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ मतलब कौन, L2 ना, L2 को आप क्या लिख सकते हो, क्या L2 को लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट L2 इज इक्वल टू कितना, फोर बाई थ्री एल वन इंटू वी टू बाई वी वन, लिख सकते हैं क्या एवरी वन, फोर बाई थ्री एल टू इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एल वन इंटू वी टू बाई वी वन। मगर अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में उन्होंने फोर बाई थ्री तो दिया हुआ है, सब फोर बाई थ्री एल वाला इधर भी है इधर भी है, फोर बाई थ्री एल, फोर बाई थ्री एल वन, अरे सब में है भाई, फोर बाई थ्री एल वन सब में। अब उनको चाहिए डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए क्या करें भाई, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है ना, जो आपको थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला, मोनिल ध्यान दे रहे थे, ध्यान दे, अच्छे क्वेश्चन दो चल रहे हैं लास्ट, ध्यान दे थोड़ा। स्पीड ऑफ साउंड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला पहले न्यूटन ने दिया था, क्या बोला उसने, पी बाई रो, उसने बोला था पी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बोला था उसने, और उससे रॉन्ग आंसर आता है। फिर लैपलास ने करेक्शन किया, उसने बोला नहीं ये आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबेटिक है, तो पी एडियाबेटिक, वो पी एडियाबेटिक ही वही बल्क मॉडुलस, मतलब ये अपना पी एडियाबेटिक। ओके, बी जो बीटा एडियाबेटिक होगा ना वो गैमा इंटू पी होता है। दिस इज बेसिकली, अगर तुम्हें कुछ मालूम हो फॉर्मूला कुछ होता है वैसे, ई बाई रो, बट ई एडियाबेटिक इज नथिंग बट गैमा इंटू पी, गैमा इंटू पी। उन्होंने यही बोला है कि एडियाबेटिक जो बल्क मॉडुलस है ना ये कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये कॉन्स्टेंट है तो स्पीड का डेंसिटी से कैसा रिलेशन आएगा, इनवर्स आएगा और रूट में आएगा। हाँ, तो जहां पे स्पीड दिख रहा है वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन को क्या लिख सकते हैं, वी टू बाई वी वन को हम लोग लिख सकते हैं फोर बाई थ्री एल वन। व्हाट इज वी टू बाई वी वन, देखो देखो, वी टू बाई वी वन को लिख सकते हो रो वन बाई रो टू स्क्वायर रूट में, है ना, क्योंकि इनवर्स है। तो वी टू बाई वी वन को लिख दो रो वन बाई रो टू स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा एल टू। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अपना एक मस्त क्वेश्चन जो कि जेई लेवल का है आराम से, थोड़े बहुत क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन गूगल ही रहता है, हर एक पेपर में चार पांच क्वेश्चन आपको मिलेगा थोड़ा। अंडरस्टूड एवरीवन, क्या किया, हाँ तो ऐसा क्वेश्चन है। ओके, फिर इसके एक और क्वेश्चन एक रह गया था, तो ये अपना 48 जिसका आंसर आता है थ्री। एक कौन सा क्वेश्चन रह गया था अंकित, एट वाला ना, हाँ क्वेश्चन नंबर एट। देखो क्वेश्चन नंबर एट में इन्होंने क्या बोला है, लेट ई ई एन ई पी रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन रेस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रॉन है फोटोन है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको बोला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन का ये है, बट फोटोन का क्या बोला है, ट्वाइस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से फोटोन का वेवलेंथ डबल है, ऐसा बोला है। फिर एनर्जी का रेशियो पूछा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम है, लैम्डा इज एच बाई पी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो एच बाई पी, पी को लिख सकते हैं रूट टू एम के,
काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो रूट टू एम ई, ई मतलब ये इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, तो यहीं से आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हो, क्या इसको लिख सकते हैं, इट इज एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्बडा ई स्क्वायर, है ना, दोनों साइड स्क्वायर करके हमको मिल जाएगा, तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। सिमिलरली ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होता है, अरे भाई फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब उसका खुद का वेवलेंथ, ईएम वेव का वेवलेंथ, है ना, तो क्या अपन एनर्जी को लिखते हैं, भाई बच्चा कंफ्यूज यहीं पे होता है, वो सोचता है फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, अरे फोटोन का भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब उसका खुद का वेवलेंथ, तो हम ई को लिखते हैं कि नहीं एच सी बाय लैम्बडा, अरे ई इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्बडा, तो वहां से लैम्बडा, लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा को लिख सकते हैं एच सी बाय ई, ये समझा एवरीवन, ई इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्बडा, से लैम्बडा को लिख सकते हैं एच सी बाय ई, एच सी बाय ई, हाँ तो कैसे आया वो भी यहाँ लिख दिया है, ओके, देयरफॉर ईपी को क्या लिख देंगे हम लोग, एच सी बाय लैम्बडा पी, एच सी बाय लैम्बडा पी, ये बट क्वेश्चन में ही बोला है कि फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से डबल है, तो आप इसको लिख सकते हो एच सी बाय ट्वाइस ऑफ लैम्बडा ई, हाँ तो ये दोनों का एनर्जी मिल गया, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों को डिवाइड कर दो, फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन अगर डिवाइड करेंगे तो एच सी बाई टू लैम्बडा ई, और ये एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्बडा ई स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है, देखो एक लैम्बडा ई कट हो गया, एच कट हो गया, टू टू भी कट हो गया, सॉल्व करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलेगा, टू लैम्बडा ई सी बाई एच, ये बट क्वेश्चन में एक और हिंट दिया है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेना है, सी बाई हंड्रेड, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो लैम्बडा ई को क्या लिख सकते हैं, एच बाई एम ई, मतलब एच बाई एम वी लिख सकते हो आप, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं एच बाई एम वी, ओके, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं सी बाई हंड्रेड, तो अगर ऐसा करेंगे सी भी कट हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कट होगा, एच एच भी कट होगा, तो अपने को फाइनली ये सॉल्व करके ना हंड्रेड मिलेगा, हंड्रेड, थोड़ा सा ये भी ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या आपको समझ में आया क्या किया एवरीवन, इसमें कंडीशन सब दे दिया है कि वेवलेंथ उसका डबल है, उसका स्पीड वन बाई हंड्रेड है, तो वो सब कंडीशन आपको यूज करने का है, ओके, वेवलेंथ में स्पीड चेंज करने का है, वेवलेंथ को चेंज करने का है, तो हमको आ जाएगा ये, और अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम जेई लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन में वो ट्विस्ट करते हैं, नीट में, जेई में, सीईटी में थोड़ा करते हैं, इज दिस क्लियर एवरीवन, तो विद दिस अपना ये पेपर भी कंप्लीट हो गया, ओके, एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुको, जस्ट एवरीवन।